Hi, Ms. Neetu. How are you? Welcome. Ms. Sara, this is Neetu, Neetu Wadhwani. She's a member of our Toastmasters Club in Karachi, Zenith Toastmasters Club. I met her for the first time. She's working for the entrepreneurs, women entrepreneurs, a very vibrant personality. So I have invited her and one of my class fellow. Her name is Parvati. She's pretty young, but we were in a course of negotiation skills at Pakistan Institute of Management. So welcome, welcome, Neetu. थैंक यू सो मच सर जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल। मैं पार्टिसिपेंट्स देख रही हूँ, ये हमारे साथ नीतू हैं। अस्सलाम वालेकुम नीतू, वेलकम टू द ट्रेनिंग फंडामेंटल्स ऑफ एआई एवरीवन। मिस्टर अनवार ने भी, सलीम हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, दैट्स वेरी नाइस। और खालिद मुगल साहब भी हमें अटेंड कर रहे हैं आज के सेशन में, आई एम सीइंग। और कुछ और पार्टिसिपेंट्स हैं। आई वुड लाइक टू नो हु इज दिस विद सैमसंग मोबाइल। अगर आप अपना नया नाम चेंज करने हैं तो दैट वुड बी इजी फॉर अस टू रिकॉग्नाइज यू। ठीक है, काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज वेल। जी थैंक यू सो मच। जैनब, आई कांट सी यू, आई डोंट सी योर नेम। इफ दिस इज यू, काइंडली चेंज योर नेम टू योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। हर कोर्स का हम एक फंडामेंटल कोर्स करेंगे, ठीक है जी। हर कोर्स का ये चूंकि आज का इंट्रोडक्शन है, इसके बाद डॉक्टर साहबा एक पूरा 2 माह का अपना एक प्रोग्राम शुरू करेंगी, जिसके बकायदा फाइनेंशियल वगैरह सब आपको बताएंगी। ये कितनी फीस लेंगी, क्या होगा, हमारे तमाम डिसिप्लिन का 2 माह का फंडामेंटल कोर्स होगा। 2 माह का हमारा जो कोर्स होगा वो बेसिक्स का होगा, और 2 माह का जो कोर्स है वो होगा एडवांस का। इससे आप सब लोगों का फायदा ये होगा कि जो बिल्कुल बिगनर है, यानी इसको कोई आइडिया नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो उसके ऊपर अपना आप अपना इसको फंडामेंटल को समझ लेंगे। 2 माह इसकी स्कीम ऑफ थिंग ये होगी, 5 डेज ए वीक हुआ करेगा, 1 घंटा डेली हुआ करेगा, और हमारे LMS पे हुआ करेगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है, जूम पे नहीं होगा। ये LMS का निज़ाम हम आपको इंशाल्लाह समझा देंगे, सारे साहब समझा देंगे आपको, ठीक है जी। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, ये AI सेंटर करवा रहा है ये कोर्स, कि 6 माह के बाद आप किसी भी जिंदगी के शोबे ताल्लुक हो आपका, इसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज केसेस को कर सकते हैं अपने। फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ में काम करता है तो AI फॉर हेल्थ पे काम कर सकता है, कोई अगर इंजीनियरिंग में काम कर रहा है तो AI फॉर इंजीनियरिंग काम हो सकता है। ये सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये आपको फंडामेंटल्स में, इसके बेसिक्स में और इसके एंड के अंदर आपको वो चीज़ें नजर आ जाएंगी। अगर किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली मुझे ज़रूर बता दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा इसका। आई हैव वन क्वेश्चन। जी बताइए बताइए। फंडामेंटल को यूज करते हुए हम AI की जो चीजें अपने सब्जेक्ट में यूज करेंगे, तो वो क्या सारी AI की फैसिलिटी हमें पाकिस्तान में मिल सकती है, मिल जाएगी जी जैसे बिल्कुल हम किसी मिलेगी, बिल्कुल प्रोफेशन में अगर एडिट कर रहे हैं? जी बिल्कुल मिलेगी। इसमें ऐसा है कि फंडामेंटल्स के अंदर आपको ये बुनियादी बातें बताएंगी। आज ये सिर्फ आज इसकी ओरिएंटेशन है, कोर्स नहीं है। इसके बाद इसका प्रॉपर 2 माह का कोर्स शुरू होगा, जो जिसका आपको कोर्स आउटलाइन डिस्ट्रीब्यूट होगी बाकायदा, और वो डॉक्टर सारा ही पढ़ाएंगे उसको कोर्स को ना। तो ये इंशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल होंगी, क्योंकि अब तमाम चीजें दुनिया के अंदर, पाकिस्तान तो क्या, दुनिया में तमाम चीजें AI की तरफ जा रही है। चलिए, ओवर डॉक्टर सारा, माशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? आवाज आ रही है क्लियर? जी जी बिल्कुल। आप लोगों को सबको अगर क्लियर आवाज आ रही है तो लेट मी नो प्लीज। थैंक यू। आई एम रिज्यूमिंग माय प्रेजेंटेशन, कांट क्लियर प्रॉपरली। जी, अब आपको आवाज आ रही है सबको? लेट मी नो प्लीज। मिस सारा, वन ऑफ माय फ्रेंड, हिज नेम इज ख्वाजा शकील, ही इज वेटिंग इन द वेटिंग रूम, कैन यू प्लीज अलाउ हिम टू कम इन। अच्छा, यू आर देयर ख्वाजा साहब, वेलकम अच्छा, ख्वाजा साहब। हाँ जस्ट जी, मैंने जस्ट अभी वन, ऐड किया उनको। ठीक हो गया थैंक्स अ लॉट। जी। वी हैव नीतू, अंजुम नाहिद साहबा और सलीम हाशमी साहब और जी खालिद मुगल साहब आउट।
थे। ओके चलें, आई गेस मैं अब स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, वी कैन कंटिन्यू आई होप। चलें, डॉक्टर अख्तर हुसैन को किसने इनवाइट किया? डॉक्टर अख्तर हुसैन कौन है? एडमिट कर रहे हैं, चलें लेट्स सी। अच्छा जी, एवरीवन इज हियर आई होप, आई वी कैन कंटिन्यू राइट। चलें, फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जिस तरह हमने बात की आज का सेशन है, और आई एम सारा शिफकत, आई एम PhD कंप्यूटर साइंस स्कॉलर एज वेल, और मेरा ईमेल कॉन्टेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, वो भी शेयर्ड है। एक्चुअली ये जो फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने बात की है, इसमें ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं आई होप दे आर अटेंडिंग इट फॉर द टू कंटिन्यू विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ऑलरेडी जिनको कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट हैं राइट, और वो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे लेकर जाना चाहते हैं अपनी फील्ड में। लाइक हमें पता है कि जितना भी कंप्यूटर साइंस के टेक्स्ट लोग हैं वो हर हर शोबे में, जो हमारा सोशल कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल शोबा है, बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, उसमें हम उसको लेकर चलते हैं फॉर एनी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम राइट। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक एडवांस फील आ जाती है जहां पे हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करते हैं आर्टिफिशियली थ्रू कंप्यूटिंग, ठीक हो गया ना। तो जो मेरे रिसर्च फोकस हैं, जिसके हवाले से मैंने अपने शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया अभी तक, वो जो है साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड सिक्योरिटी में मेरे इंटरेस्ट हैं, फोकस है, डेटा एनालिटिक्स में मैंने काम किया है, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जैसा एक अमल दखल होता है उसको हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। जो प्रायोरिटी इंटरेस्ट है मेरे, जिस तरह किसी शोबे में उसको फोकस करना एनालिटिक्स को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो हेल्थ से रिलेटेड हुआ, ठीक है। उसके अलावा नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम्स कोई भी हो, वो उसमें बिजनेस का भी कोई सिस्टम हो सकता है, जिस तरह फिनटेक की बात हो रही है आजकल, और शोबे हैं लाइक कोई भी ERP सिस्टम डेवलप करना है, उसको इंटेलिजेंटली ऑपरेट करना है, और उस पर भी आपके एनालिटिक्स जब काम करते हैं, जब आपके पास डेटा इन्वॉल्व होता है और उसमें एनालिटिक्स उसको एनालाइज किया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें स्कोप बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी जो, अगर फॉर एग्जांपल एक थोड़ा डेटा है, जैसा एक ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, कम डेटा के साथ हम लोगों की इंटेलिजेंस उसको अच्छी तरीके से उसको प्रॉब्लम को समझती है, उसको सोल्यूशन देती है और सॉल्व कर सकती है। लेकिन जब हम उसी सिस्टम में जहाँ पे हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं डेटा के हवाले से, इंफॉर्मेशन कलेक्शन उसको एनालाइज करने के हवाले से, वहां पे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें कंप्यूटिंग प्रॉब्लम जो है और कंप्यूटिंग सॉल्यूशन जो है वो हमें बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करती है फॉर टू एनहांस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें मुझे कोई आंसर्स कर सकते हैं अपनी अपनी डोमेन के हवाले से, लाइक आप लोगों को कितना इसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना अंदाजा है, किसी को भी? आई होप आई कैन हियर यू ऑल। खालिद ख्वाजा साहब आप बात करें, बिल्कुल यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा मैडम, मेरे हिसाब से ये है कि जो चीजें हम ह्यूमन ह्यूमन मतलब करते रहे हैं, उनको किसी तरह से ऑटोमेट तरीके से करने से, कि वो हम इस तरह ट्रेन कर लें मशीन को कि वो खुद से करने लगे डिसीजन मेकिंग भी, और हिस्टोरिकल पैटर्न्स के हिसाब से उसको इस तरह से ट्रेन किया जाए, तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मी। आई मे बी रॉन्ग दो। नहीं नहीं, जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं ना, यही बात है कि ऑटोमेशन की जब बात होती है तो वो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हम कह सकते, क्योंकि वो तो कंप्यूटिंग, हम जो हिस्ट्री अगर कंप्यूटिंग की देखें तो लॉजिक्स पे हमने ट्रेन किया हुआ है अभी तक ना कंप्यूटर को, और कंप्यूटिंग हम करते हैं, जैसे एक कैलकुलेटर भी है उसमें हमने लॉजिकल जो अपने मैथमेटिकल लॉजिक्स हैं वो फिट किए हुए, कुछ रूल्स हैं उनको फिट करके हमने कंप्यूटिंग की अभी तक, जो हमारा काफी लास्ट डेकेड तक था ना।
ठीक है, तो वो एक कंप्यूटिंग प्रॉब्लम थी और वो भी उसको भी ऑटोमेशन कहा जाता है, राइट। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है कि जब कंप्यूटर अपने तौर पे कुछ अपनी अपनी इंटेलिजेंस शो करना शुरू कर दे किसी डेटा इनपुट के हवाले से, अच्छा फिर हिस्ट्री और डेफिनेशन हम इसमें जो कोर्स आउटलाइन है इस ट्रेनिंग की उसमें वो भी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, राइट, और हिस्ट्री एंड डेफिनेशन की तरह को देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब स्टार्ट हुई इसकी लाइक इसका जिस तरह एक अंडरस्टैंड लोगों की नजरों में कब आई कि इस तरह भी कंप्यूटिंग हो सकती है, कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट हो सकता है, इतना एफिशिएंटली काम कर सकता है कि एक ह्यूमन ब्रेन को डिपिक्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो एक वो पहले तो ये था ना कि कंप्यूटिंग में हम कुछ लॉजिक्स डिफाइन कर देते थे कंप्यूटर को और वही वो लॉजिक्स परफॉर्म करके हमें कुछ रिजल्ट देता था, ठीक है। अब हम जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो की है वो बकायदा ह्यूमन माइंड को स्टडी करने की कोशिश कर रही है कि वो किस तरह अपनी डिसीजंस लेता है और किस तरह एनालाइज करता है किसी भी प्रॉब्लम को और उसकी सॉल्यूशन देता है, ठीक है। और इसका बहुत ज्यादा जो उसके उसको चाहिए उसमें जो डेटा उसकी इनपुट है उसको वो लेता है और उसको फिर अंडरस्टैंड करता है और परसीव करता है और किस तरह परसीव करता है, ठीक है, कॉजेज और इफेक्ट्स के हवाले से, और फिर कोई डिसीजन लेकर आता है, तो वो आपकी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका काम करती है, राइट। और इसकी हम एप्लीकेशंस देखेंगे कहाँ कहाँ है और किस किस सेक्टर में है, कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स का भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि उसको भी हमने किस तरह लेकर चलना है और कितना हमने यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को कितना ग्रैप देना है और कहाँ पे उसका उसको कहाँ पे हम एक ह्यूमन को लेकर आने की या ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होगी, यही हमने देख लाइक इसमें ये है कि जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की लिमिटेशंस है वहां पे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, कंप्यूटिंग इंटेलिजेंस चाहिए, और कहीं पे हम देखते हैं डिसीजंस करते हुए कि जहाँ पे कंप्यूटिंग जो इंटेलिजेंस है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहां पे लिमिटेशंस आ जाती हैं और उधर से आपका दोबारा से जो ह्यूमन का कंट्रोल है उस वो हमें दोबारा से ग्रैब करना होता है, ठीक है, फॉर एनी एप्लीकेशन लाइक हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वही बात है कि हमने उसको इंटेलिजेंट और फास्ट तो कर दिया डायग्नोस्टिक को, लेकिन जहां पे हमने उसको ह्यूमन की नोहाउ चाहिए, हमें ह्यूमन कंट्रोल चाहिए, वहां पे ह्यूमन कंट्रोल हमें उसको देना है, ठीक है। हमें बिल्कुल हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम्स पे नहीं शिफ्ट कर देनी और उस पर भी एक कंट्रोल और चेक होगा ह्यूमंस का हमेशा से, और इस पे काफी एक लंबी बहस है, ठीक है। एक ये जो है ना लाइक जिस तरह कहते हैं कि उसका एडवांटेजेस भी हैं और जैसे लिमिटेशंस भी हैं और उसकी उसको हमने सॉल्यूशंस भी दिए हैं और सक्सेस फैक्टर्स भी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो हम हर तरीके से देखते हैं। जिस तरह ये फंडामेंटल्स ऑफ एआई में हमने यही देख रहे हैं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहाँ तक ग्रोथ है और कहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती हैं और उसको कैसे टैकल करना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिर डोमेन्स हैं, टाइप्स हैं डिफरेंट, और इसको लाइक जब हम उसकी डोमेन्स के अंदर जाते हैं या डिफरेंट टाइप्स के अंदर जाते हैं तो मशीन लर्निंग जो है इट्स अ ग्रोइंग डोमेन राइट नाउ, ठीक है, और इसका एवॉल्व अभी ही हुआ है लेटली, और इसको भी हम समझेंगे कि ये कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाउ इट मूव टूवर्ड्स मशीन लर्निंग और फिर डीप लर्निंग और इसकी क्या टाइप्स हैं और कहाँ पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, और इसमें एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी है वो भी हम देखेंगे। वही बात है कि रिसर्च रिलेटेड जो जिन लोगों ने आगे एडवांस स्टडीज करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो भी इसको इसमें देखेंगे कि कौन से आइडियाज हैं जिस पे ग्लोबली दुनिया काम कर रही है, ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट कंसर्न्स हम देखेंगे जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम करते हुए देखते हैं और उसको कहाँ पे वो मिटिगेट भी करने हैं और उसके इफेक्ट्स जो लाइक जहाँ पे वो हमें डिस्टर्ब कर रही है सोसाइटी को, ठीक है, और फिर हम ओपन क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तरह हमने बात की जिस चलते चलते लाइक कंप्यूटेशनल थिंकिंग की तरफ आ गया है कंप्यूटर हमारा, ठीक है, और उसमें ह्यूमन ब्रेन को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट, और इसमें कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस को हम देखें तो डिफरेंट हमारे पास एक मैप आ जाता है जहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का नाम सुना होगा आपने, ये बिल्कुल एक जो हमारी स्टार्ट फेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है प्राइमरी फेज उसमें आता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स,
और जितना जितना बढ़ता जाता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, जिसमें एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग आ रही है, स्वार्म इंटेलिजेंस की तरफ हम आ रहे हैं, और आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम्स लाइक देर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जिनको जो जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन डोमेन्स पे काम कर रही है। इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स में अगर हम देखें, जेनेटिक एल्गोरिदम्स हैं, प्रोग्रामिंग है, और उसकी एक डिफरेंट एक फेस है, और इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक डिफरेंट फैमिली ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स हैं। और फजी सेट्स वहां पे होते हैं जहाँ पे नंबर्स का काम होता है, ठीक है, वहां पे आपके फजी लॉजिक्स अप्लाई होती हैं, और उसके भी आगे से एक फैमिली है, डोमेन्स हैं, और उसमें एल्गोरिदम्स का एक पूरा सेट है, ठीक है। इसी तरह स्वार्म इंटेलिजेंस में आप पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं, और डिफरेंट और एल्गोरिदम्स हैं जिसकी बात होती है, और इम्यून सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम्स भी एक कैटेगरी है जिसपे आगे काम होने जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इन सब का एक्चुअली अब जहाँ पे इवॉल्व हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेन मकसद यही है जैसे हम सुनने में आता है कि हमें कंप्यूटिंग जो है दुनिया पे हुकूमत करने लग जाएगी, रोबोट्स जो है हमारी दुनिया पे हुकूमत करने लग जाएंगे, ह्यूमंस जो है वो उनकी वो लिमिटेड हो जाएंगे, और जो रोबोट्स हैं इंटेलिजेंट रोबोट्स वो आपके काफी डोमेन्स को हाईजैक कर लेंगे एक लिहाज से। वही बात है, एक हमें खतरा भी महसूस होता है, ठीक है, कि इसको हमने कैसे अपने कंट्रोल में रखना है ह्यूमंस ने, और किस तरह कि हमें रोबोट्स ना ओवर पावर कर लें ह्यूमन सोसाइटी को, ठीक है। उसमें जब हम अपने ब्रेन को देखें तो एक एब्स्ट्रैक्ट हमें नजर आता है कि हम उसमें हाई लेवल चीज को भी देखते हैं, फिर उसके इन डेप्थ उसको जनरलाइज करके भी देखते हैं सिचुएशन को, जिसमें न्यूट्रल डिसीजन हम कहते हैं कि हम न्यूट्रली थिंक करें, और अपने जो कोई भी डोमेन है या कोई भी हमारे पास डाटा है उस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर भी अपने आप को लॉजिकली भी देख रहा होता है, न्यूट्रली भी देख रहा होता है, और जो पैटर्न्स उसको फीड किए जा रहे होते हैं उस पे वो रिकग्निशन कर रहा होता है, जिस तरह हम भी अपने जनरल लाइफ में और अपने लाइक डे टू डे वर्क में हम हमारे इर्द गिर्द क्या होते हैं, इमेजेस होते हैं, कुछ कुछ हमारे इर्द गिर्द मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉइजेस होते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उनके डिसीजन ले रहे होते हैं, इस चीज को फिर हम जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो पैटर्न्स के हिसाब से करता है, ठीक है। उसमें उसको कहना शुरू उसको कह सकते हैं हम पैटर्न रिकग्निशन। इसी तरह कोई इमेजेस अगर फीड करें और उसको अंडरस्टैंड करना है ये इमेज में क्या हो रहा है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट जो है ये कहाँ जा रहा है, कहाँ पे इसको हमने रोकना है, जैसे ड्राइविंग कार्स के एक एग्जाम्पल्स हैं आजकल, तो वहां पे पैटर्न रिकग्निशन के काम आ जाते हैं, और किस तरह एक प्रॉब्लम को हमने डीकम्पोज करना है ये भी हम देखते हैं अपने जनरल लाइफ में भी, और इसी तरह कंप्यूटर हमारा ब्रेन भी वो ब्रेन की तरह ही जब काम करने लगता है तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिसको हमने कंप्यूटर को भी अंडरस्टैंड कराते हैं, ठीक है। लाइक हाउ टू डीकम्पोज अ प्रॉब्लम, हाउ टू रिकग्नाइज सम पैटर्न्स, किस तरह जनरलाइज करना है किसी प्रॉब्लम को और उसके सॉल्यूशन को, और किस तरह एब्स्ट्रक्शन एब्स्ट्रक्ट एक चीज को देखना है हाई लेवल, और कहाँ कितना इन डेप्थ जाकर उसको फिर एक डिसीजन मेकिंग करनी है, और इसका जो मेन फोकस है वो, और कहाँ पे इसको ये किस तरह काम करता है, ये एल्गोरिदम के थ्रू काम करता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स हैं, एक फैमिली है, और इस पर काफी लाइक कोई एक एल्गोरिदम नहीं है, देर आर लॉट्स ऑफ बेस्ट एंड बेटर ऑप्शन जिनमें हम चूज करते हैं कि कौन सी एल्गोरिदम कहाँ पे काम करेगी, और कहाँ पे हम उसको किस सिचुएशन बेस और किस प्रॉब्लम पे किस एल्गोरिदम को यूज करना है, ठीक है, ये चीज है। तो वही बात है, जिस तरह आपका ब्रेन एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइडिया पॉट ऑफ आइडियाज होता है, इसी तरह हम अपने कंप्यूटर को भी यही टीच कर रहे हैं कि एक आइडियाज हो आपके पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, फिर उस पर कौन सी टेक्निक्स कौन सी एल्गोरिदम्स यूज करनी है, उसमें से कौन से इंसाइट्स निकालने हैं अखज करने हैं, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंडेबली और परसीव कैसे करना है, ये भी एक इंटेलिजेंस का काम है, तो उसमें सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका काम करता है, ठीक है। जी इंटेलिजेंस वही बात है, इंटेलिजेंस क्या है आपकी, आप अपने ह्यूमन आप जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें कि उसने कैसे काम करना है, आप ह्यूमन माइंड को परसीव करें, ठीक है, कि हाउ इट सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ इट वुड लर्न फ्रॉम एनी एक्सपीरियंस, हाउ इट कैन रीजन अबाउट थिंग्स, ठीक है। उसमें भी हम जब एआई के भी हम एनालिटिक्स
की सॉल्यूशंस भी देखते हैं, तो हमने उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, रीजन भी करना होता है, और हमने बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि जो हम इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हैं उसमें से, किसी भी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम में से, और यह सॉल्यूशन दे रहे हैं उसमें उसका परसेप्शन क्या है, और इज इट एक्यूरेट और नॉट, वो भी देखना है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस, जिस तरह ह्यूमन ब्रेन ब्रेन भी आपकी कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लेता है, कुछ राइट डिसीजंस होती हैं, और कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने सब एक्सप्लेन करना होता है, फिर अपनी जो भी फाइंडिंग्स होती हैं कि इस जो इस इससे हमने अखज क्या करना है, परसीव क्या करना है, और वही बात है, इमेजेस को भी अंडरस्टैंड करता है एआई, रिकग्नाइज पैटर्न्स करता है, और फिगर आउट करता है कि क्या कॉजेस थे जिनकी वजह से ये सिचुएशन यहाँ तक पहुंची, और इससे हमने क्या अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। एक पूरी स्टोरी आपने डेवलप करनी होती है, जो भी एआई के थ्रू आपको फाइंडिंग्स मिलती हैं। एबिलिटी टू परस्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस, जिस तरह भी कोई रिसर्च प्रॉब्लम भी अगर आप देखें, तो आप सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं, तो उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकालते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने फुलफिल करना है, ठीक है, और उससे क्या पर्पस फुलफिल होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने उससे डिविएट भी नहीं करने देना अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को, और एबिलिटी टू जनरलाइज और एब्स्ट्रैक्ट, ये भी हमारे ब्रेन का काम होता है, और यही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम भी कर रहा होता है, ठीक है। मेक एनालॉजीज लाइक सिचुएशन टू सिचुएशन, आपने किस प्रॉब्लम को कितना सॉल्व किया, मेजर एरियाज वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज राइट नाउ बीइंग यूज्ड इज अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, ठीक है। हाँ जी, एरियाज ऑफ एआई को हम देख रहे थे कि आजकल जो हमारे करंट सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों के पास, अब तो सबके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट तो लाजमी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेशक मोबाइल्स पे कर रहे हो बच्चे। तो उसमें जब हम गूगल ट्रांसलेशन भी देखते हैं कि इंग्लिश से उर्दू या किसी भी लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उसमें काम कर रहा होता है, ठीक है। और वो कैसे कर रहा होता है, ये एक लंबी कहानी है, ठीक है, कि इंग्लिश का हर वर्ड जो है उसके अगेंस्ट उर्दू के वर्ड्स आपके डेटा इनपुट हुआ होता है, और उस पर अंडरस्टैंड कर रहा होता है कंप्यूटर कि उसको कैसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपकी इसी में भी कंसिडर हो रही होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह की है, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे डेटा ज्यादा आ जाता है और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बस से बाहर हो जाता है, वहां पे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, राइट। और लर्निंग एंड अडॉप्टिव सिस्टम्स, लर्निंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, लाइक आजकल हम हेल्थ केयर में इसका काफी इस्तेमाल देखते हैं ग्लोबली, अभी बेशक पाकिस्तान में इतना नहीं आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम, और उसको एक्चुअली यूज करते हुए भी जरा एक वो होता है, हेसिटेशन है हॉस्पिटल स्टेक होल्डर्स वालों वगैरह में भी, जो हेल्थ के केयर टेकर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज हेल्थ डायग्नोस्टिक्स में भी इस्तेमाल हो रही है, प्रिडिक्टिव सिस्टम्स जो जहाँ जहाँ भी प्रिडिक्शन होती है, फॉर एग्जांपल आपके क्लाइमेट्स हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल सिस्टम्स हैं, उन पे कहाँ आपने पहले से प्रिडिक्ट किया जा रहा होता है कि ये आपका क्लाइमेट आज से 5 महीने बाद या 2 दिन बाद ये कोई तूफान आने वाला है या कोई भी हैजर्ड आने वाला है क्लाइमेटिकली, तो आप उसके लिए टेक केयर कर लें या उसके और जो बंद बांध लें, ठीक है, सही। तो इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड भी कोई अगर बीमारी आ रहा है आपका, तो वो प्रिडिक्ट किया जाता है कि आज से साल बाद ये जो बीमारी है इसका इतनी स्ट्रेंथन हो जाएगी, तो अभी से इसकी जो है वो टेक केयर करें और इसको थोड़ा सा मिटिगेट करें इस प्रॉब्लम को, और कंट्रोल में लेकर आए, ठीक है। विजुअल परसेप्शन में यूज हो रही होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक आजकल अगर आप देखें वर्चुअल रियलिटी का काफी कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, जिसमें हम कहते हैं कि हम रियल सिस्टम्स जो है हमारे इर्द गिर्द, जो रियल इन्वायरमेंट है, और उसी इन्वायरमेंट से करीब तर एक अलग एक दुनिया आप देख सकते हैं कंप्यूटर के जरिए, ठीक है। और जिस तरह कोई सिस्टम जिस आप उसको करीब तर करना चाहते हैं अपने रियल सिनेरियो के साथ, वो आप वर्चुअली उसकी रियलाइजेशन कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है, पहले उसको वर्चुअली आप एनालाइज कर लें, उसका उसको देख लें कि ये कैसे इन रियल लाइफ काम करेगी, ठीक है, और फिर उसको आप अपनी रियल लाइफ में भी उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन
की तरफ लेकर आ सकते हैं, ठीक है, राइट। और वो बोर्ड से एक एग्जाम्पल है, राइट। इसी तरह इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी इस्तेमाल होती है, रोबोट्स ने कैसे काम करना है, कैसे सेंस करना है अपने इर्द गिर्द के एनवायरमेंट को, और उस पे की बेसिस पे आप उन्होंने डिसीजन लेनी है और किस तरह रिएक्ट करना है किसी एनवायरमेंटल हैजर्ड्स से रिलेटेड। या अगर फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स में अगर ड्राइविंग कार भी जो एक एग्जाम्पल है जो हम देख रहे हैं आ गई है, तो वो भी एक रोबोटिक ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसने रोड्स पे चलना है, अब एक बड़ा एक सेफ्टी हैजर्ड भी आपके सामने आता है कि आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ ड्राइविंग कार को आप सड़क पे छोड़ दें। बेशक कुछ कार्स ऐसी भी हैं जो बिल्कुल ड्राइवर के बगैर ड्राइवरलेस कार्स होती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं चलो ड्राइवर बैठा हुआ है कंट्रोल करने के लिए, राइट, लेकिन वो खुद से चल रही है। तो ये हैजर्ड्स भी इस लेकर आता है, इसके कंसर्न्स भी लेकर आते हैं ना, जिस तरह वही बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने कितना कंट्रोल देना है किसी भी रोबोटिक कार के ऊपर, तो ये चीज। और मॉडलिंग जो है फॉर एग्जांपल गेम्स और मॉडलिंग में लाइक जिस तरह आप देख रहे होते हैं जनरेटिव एआई इसमें आ जाता है, जनरेटिव सिस्टम्स आ मेरे जाते मगर हैं। भी फॉर ले खाल एग्जांपल हाँ जी मेरे हम मगर जी निकाल तो कुछ हम इस तरह फ्रेंड साहब हम भी गाड़ी है फ्रेंड साहब वो जो है ना। अच्छा प्लीज आप लोग मेरी तरफ फोकस करें। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं अच्छा कह रही हूँ, ठीक है, वेलकम। इंटरप्शन ना हो तो अच्छा। प्लीज आप म्यूट देखिए कर दें अपने अच्छा सिस्टम्स, ठीक। अच्छा, अच्छा मॉडलिंग की तरफ अच्छा ये हम आते हैं कि देखिए आगे हम देखेंगे कि कुछ अगर ऑफिशियल जो हमें बिल्कुल इमेजेस भी हम देखते हैं अपने हमें कहीं सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, और वो कुछ वो कंप्यूटर मैम योर वॉइस इज लिटिल लो ऑन द लोअर साइड ओके करंटली। या ओके लेट मी सी। इट्स फाइन नाउ इट्स फाइन नाउ। अच्छा, आप ठीक हो गया, सही है, मैं सुन जी। ओके फाइन। अच्छा, हमने एरियाज ऑफ एआई तक आपको समझ आ गया, सबको क्लियर हो गया कि हम लोग रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल देखते हैं, ठीक है। अपने सोशल मीडिया को आप मतलब रोज एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसमें इनकॉर्पोरेट हुआ, आपकी काफी डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं ह्यूमन माइंड की, राइट। उसका आपका एक जो जिस तरह थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं, राइट, समझ आ रहा। अच्छा अच्छा जी, मोहम्मद अनवर सलीम साहब ने कुछ कहना है, आप बात करें। जी जी सर जी बस एक बात, आपने एक टर्म इस्तेमाल की थी एल्गोरिदम, ALGORITHM। जी व्हाट एल्गोरिदम एग्जैक्टली इज? एल्गोरिदम एक्चुअली इज लाइक आप जिस तरह एक कंप्यूटर में हमने जो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में देखा हुआ है, हम कुछ इनपुट देते हैं और उसकी आउटपुट मिलती है, बीच में एक प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। उस प्रोसेस में बेशक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है या जो भी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है उस पर आप कुछ, पहले तो ये था ना कि कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट हुए हुए थे कि प्लस हो करेगा या माइनस करेगा, दो इनपुट्स हैं उसको प्लस करना या माइनस करना और एक डिसीजन दे देने। अब इस प्रोसेस को हमने चेंज कर दिया एक लर्निंग सिस्टम के साथ, ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक्सपर्ट सिस्टम कह रहे हैं। उसमें कुछ वो एक प्रोसेस कर रहे हैं कि किस तरह एक ह्यूमन जो सिस्टम ने किस तरह एक इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग करनी है और आपको कुछ आउटपुट देनी है। वो सिस्टम कैसे चल रहा है उसमें आपकी एल्गोरिदम्स जो है वो डिफाइन हो रही है और वो डिफाइन करती है सिस्टम में कैसे चलना है, ठीक है। वो हम आगे जाकर देखेंगे कि ये एल्गोरिदम्स जो है ये कैसे काम करती है, राइट। उसमें जो आर्टिफिशियल एल्गोरिदम्स में फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फैमिली है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वो मैंने बताया था आपको टाइप्स है, और उसकी कुछ एक्सप्लिसिट एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एक है जो बिल्कुल एक प्राइमरी एल्गोरिदम है जो किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हुए आपको उसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। वो हम आगे जाकर देखेंगे कि ये न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं और ये एल्गोरिदम जो है किस तरह वर्क करती है, ठीक है सर। चलें, एआई बिल्ड्स इंटेलिजेंट मशीन्स और रोबोट्स जिस तरह हम देख रहे हैं, और जिस तरह हमें कहते हैं हम खतरा है एक रेस को कि उनको जो रोबोट्स हैं वो टेक ओवर ना, ठीक है। तो इंटेलिजेंट एजेंट्स का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है जिसमें एक सिस्टम है, ठीक है, दैट परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट एंड टेक्स एक्शन विद मैक्सिमम चांसेस ऑफ सक्सेस, ठीक है।
एक तो ह्यूमन माइंड है ना, कि वो अपने जो सिस्टम को कैसे एनालाइज कर रहा है और एनवायरमेंट में किस तरह रिएक्ट कर रहा है, इसी तरह हमारे रोबोट्स जो है वो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस में काम करेंगे तो वो किस तरह अपने इन्वायरमेंट में रिएक्ट करेंगे और किस तरह काम करेंगे वो चीज़। और इसमें सिर्फ रिपोर्ट्स तो वैसे कहने को हमारे सामने, इसमें एजेंट्स जब आते हैं किसी भी आर्टिफिशियल सिस्टम में, जिस तरह ड्रोन्स भी हम कहते हैं कि डिफेंस सेक्टर में यूज होते हैं, वो भी एक इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं कि कहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ गिरानी है, कौन सा शेल गिराना है, ठीक है, उस एनवायरमेंट से रिलेटेड। और ये इंटेलिजेंट एजेंट्स सिस्टम, राइट, और इसमें अपने एनवायरमेंट में किस तरह मूवमेंट करना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स का काम है, राइट, और उनको कैसे हमने कंट्रोल करना है ये हमारा काम है ह्यूमंस का। उसमें जिस तरह आपने देखा इधर ऊपर मैंने बताया हुआ सेंसर्स भी काम कर रहे होते हैं आपके, एक्चुएटर्स उसको डिजाइन, एक्चुएटर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं इन सेंसर्स को और इन मशीन्स को। तो इस तरह हिस्ट्री एंड डेफिनेशन ऑफ एआई को हम अब देखेंगे कि एआई इज अ न्यू इलेक्ट्रिसिटी इन दिस एरा, राइट। हम जिस तरह हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं रियल लाइफ में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इसको हमें फैसिलिटेट करने के लिए हमारे सामने है एज अ सोल्यूशन, राइट। और ह्यूमंस ने इसको कैसे लेकर चलना है ये हमारे पे डिपेंड कर रहा है। और इज अ न्यू फेज, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म्ड काउंटलेस और दिस इलेक्ट्रिसिटी हैज ट्रांसफॉर्म्ड काउंटलेस इंडस्ट्रीज। और जो है उसमें आप किसी की भी इंडस्ट्री को देख लें, ठीक है, आजकल मशीन्स जो हैं ऑटोमेट हो रही हैं और उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम्स ही उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं उनको लेकर। और जो आपके डिसीजंस हैं लाइक बेसिक किसी फैक्ट्री में भी कोई डिसीजंस हैं लाइक असेंबली सिस्टम्स हम देखते हैं, उसमें भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जो मशीन्स हैं वो काम कर रही होती हैं। और इसमें ह्यूमंस को आप जहाँ पे एक आता है आपको एक थ्रेट आता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को टेक ओवर कर रहे हैं, वहीं पे आप देखें कि ह्यूमन रिलैक्स भी हो रहा है, ठीक है, आपके जो मेंटली कॉम्प्लेक्स काम है वो अगर हम जो जहाँ पे ह्यूमन ज्यादा सक्सेसफुल है वो अगर उधर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। और ये जो काम कर सकते हैं इस तरह के, जिस तरह के डेली रूटीन के काम है जो इंटेलिजेंस इजीली आप एआई से करा सकते हैं, एआई सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम से वो उनको दे दें, तो ये भी आपका एक बर्डन लेस कम्युनिटी आपके सामने आ सकती है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट एसोसिएट विद ह्यूमन माइंड, जिस तरह हमने बात की उसमें फिलोसफी भी आ जाती है, साइको जब ह्यूमन माइंड से को डिपिक्ट कर रहा है तो साइकोलॉजी इज अ की फैक्टर जो आएगी, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन माइंड, राइट, उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं हम। मैथमेटिक्स पे वैसे ही लॉजिकल बेस्ड सिस्टम तो आप डिपेंड करते हैं ऑलरेडी, और काफी साइंटिफिक जो अब सिस्टम्स आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजंस पे काम कर रहे हैं और उनको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ एआई अब यहाँ पे देख लें, जिस तरह आपका वॉइस रिकॉग्निशन है, राइट, अब कभी हमें एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टास्क लगता था और हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वॉइस रिकग्नाइज होगी और कंप्यूटर से हम उस आप कुछ लिखेंगे और कंप्यूटर आपके लिए बोलेगा, ठीक है, ये हमें मुश्किल का टास्क लगते थे। और अब हम अपने मोबाइल पकड़ते हैं तो हम उस पे आपका जो गूगल सिरी है वो आपसे बातें कर रही होती है, ठीक है। तो इस तरह ये वॉइस पैड्स काम कर रहे हैं, आपके ज्योग्राफिकल सिनेरियोज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देखें एक जैसा सेंसर सैटेलाइट के थ्रू आप ज्योग्राफिकल सिस्टम के थ्रू आप अपनी जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं उनको पिन पॉइंट कर रहे होते हैं, हर ज्योग्राफिकल सिनेरियो में क्या कहाँ पे क्या काम हो रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके इर्द गिर्द इंटेलिजेंट सिस्टम्स फॉर अ सोशल मीडिया जो है आपका, उसने आपकी आपको वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी दे दी है, ठीक है। आप जो चीज इधर बैठ के पाकिस्तान में आप सोचते थे कि हम कभी अमेरिका को देख नहीं सकते, हमें लगता है अमेरिका हमारे साथ बैठा हुआ है, ठीक है, हमारे साथ, हम लोग रोज रूटीन में अपने इर्द गिर्द लोगों से बातें कर रहे होते हैं, यूएस जो जो यूएस में बैठे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो सऊदी अरब में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, ठीक है। तो इस तरह कनेक्टिविटी होगी आपकी, और ये जो कनेक्टिविटी है अगर
सोशल मीडिया के थ्रू भी हम देखें तो ये आपका सवाल इंटेलिजेंस बेस्ड पे हो रहा है। इंटेलिजेंस आपकी जो गूगल सर्च है जो आप करते हैं और आपके सामने कुछ सर्च करके जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है उधर भी एआई काम कर रहा है, ठीक है। और आपके पास कुछ रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी जाएं, आपको आपने कुछ लाइक्स की होती हैं, कुछ डिसलाइक्स की होती हैं, उसकी बेसिस पे आपके पास एडवर्टाइजिंग आ रही होती है कि आपने कि इस उनको पता है कि किस सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बंदा इसको ये चीज पसंद है, इसको हमें इसी चीज की तरफ रागब करना है या इस चीज से दूर करना है, ठीक है। ये भी होता है, वही मैं बता रही हूँ आपको। आप पॉलिटिकल सिनेरियो में आप देखो, ठीक है, हमारी कुछ हमारे माइंड को मेकअप भी किया जाता है, ठीक है, मीडिया मैनेजमेंट हो रही है ना, सही है। तो ये एआई के थ्रू हो रही है, राइट। इसी तरह कहते हैं ट्रम्प ने भी अपना एक पूरा सिनेरियो बनाया था, कोई सिस्टम है उसने हायर किया था बकायदा, और उसके थ्रू उसने काफी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको रागब किया था कि वो उनको उसको वोट दें। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेशियल रिकग्निशन पे भी काम कर रहा है, राइट। आपके हैंड हैंड प्रिंट से लेकर थंब इम्प्रेशन से लेकर फेशियल रिकग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सब आपका एआई परफॉर्म कर रहा है, राइट। हिस्ट्री एंड डेफिनेशन, जब हम किसी भी चीज की तरफ चलते हैं और किसी भी चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत लाजमी है, राइट। तो ये किस तरह को हम इवॉल्व कैसे हुई है, 1956 में ये दो लोग काम कर रहे थे, कहते हैं जॉन मैकार्थी और क्लॉड शैनन वर्कशॉप में, और इन्होंने एआई को कॉन्सेप्चुलाइज किया और के कंप्यूटर भी जो है वो ह्यूमन माइंड को डिपिक्ट कर सकता है, इनकी ये फिलोसफी सामने आई। और इन जिसको जिसमें जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। उसने कैसे डिफाइन किया इसको पॉपुलर, और उसने डिफाइन किया एन अटेम्प्ट विल बी मेड टू फाइंड हाउ टू मेक मशीन्स यूज लैंग्वेज, राइट, के मशीन्स ने लैंग्वेज को यूज करना कैसे करना है। जैसे हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही आपको टीच भी किया जा रहा है, और फॉर्म एब्स्ट्रैक्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स, सॉल्व काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ रिजर्व फॉर ह्यूमंस एंड इम्प्रूव देमसेल्व्स, ठीक है। वी थिंक दैट अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट कैन बी मेड इन वन और मोर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इफ अ केयरफुली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर अ समर, राइट। सो I hope के improve themselves वाला पार्ट आप अगेन करोगे कि हाँ how machine is improving themselves हाँ जी, बिल्कुल themselves बिल्कुल। जिस तरह एआई की इवॉल्वमेंट हो रही है ना, उस क्योंकि इसी, कैसे हाँ बिल्कुल further कर बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल without एग्जैक्टली। involvement of humans जी मतलब जी एक लॉजिक में जी फीड उसमें मशीन करके लर्निंग पे जब हम आएंगे ना, लॉजिक हाँ फीड है बिल्कुल लेकिन मैं ऑन लॉजिक फीड नहीं कर रहा आपको राइट खुद ही अपनी लॉजिक फीड कर एग्जैक्टली, हाँ ही बिल्कुल। कर देता है और कर उसमें हम सुपरवाइज अनसुपरवाइज को देखेंगे, ठीक हो गया। अर्ली ऑप्टिमिज्म, हाँ जी, हमने ही हम मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि एक एआई का जो है हम थ्रेट्स को भी देखते हैं और उसकी ऑप्टिमिस्टिक साइड भी देखते हैं, ठीक है। तो उसने हमने ह्यूमंस को फैसिलिटेट कहाँ पे किया है, और जो जो भी चीज आपके सामने इवॉल्व होती है जब जिससे काम शुरू होता है उसकी कुछ ऑप्टिमिस्टिक साइड होती है जिसको देख के उस पर काम किया जाता है, ठीक है। अगर पहले से ही हम सोच लें कि इसके तरफ से थ्रेट्स कितने मिलेंगे तो फिर उस पर काम ही ना करें, राइट। तो इसीलिए जो अर्ली हमारे रिसर्चर्स थे उन्होंने इसकी ऑप्टिमिस्टिक साइड को फॉलो किया, और उन्होंने कुछ डेफिनेशंस जो डिफाइन की वो कुछ ऐसी थी लाइक मशीन्स विल बी केपेबल विद इन 20 ईयर्स ऑफ डूइंग एनी वर्क दैट अ मैन कैन डू, ठीक है। हर्बर्ट साइमन, ही इज अ साइंटिस्ट। विद इन, फिर एक और हमारे पास डेफिनेशन आई, विद इन 10 ईयर्स द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी सब्सटेंशियली सॉल्व, राइट। देखें मार्कअप्स इनके, देखें कि 1950s और 1960s के दरमियान में इनकी ये फिलोसफी थी, ठीक है। आई विजुअलाइज अ टाइम व्हेन वी विल बी टू रोबोट्स व्हाट डॉग्स आर टू ह्यूमंस, खुदा ना खास्ता, एंड आई एम रूटिंग फॉर द मशीन्स, ठीक है। तो ये चीज है, तो इतना भी हमने आगे नहीं बढ़ना है इसको, वही बात है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम कोई भी चीज पहले स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर लेकर आते हैं कि तीनों उसको प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन तीनों की तरफ। में हाँ जी बिल्कुल सर, वो भी हम हाँ आगे देखेंगे कि वाइसेस भी हैं सिस्टम्स में, इसी तरह इनकी ज्यादा प्रमोशंस हैं। अच्छा, हिस्ट्री एंड डेफिनेशंस
जी, फिर और कुछ डेफिनेशंस इधर बताई गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड नोन फॉर इट्स लैक ऑफ कंसेंसस ऑन फंडामेंटल इश्यूज, ठीक है, लाइक वही बात है कुछ कहा, लैक ऑफ कंसेंसस के कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को जो टीच किया जाता है विच इज ऑन द कंट्रारी एज अ ना भी फोकस्ड हो, लेकिन एक वो कंसेंसस पे आपको लेकर आना चाहता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी जो डिसीजंस हो या कंसेंसस हो ठीक हो, राइट, ऑन फंडामेंटल इश्यूज। लाइक फंडामेंटल इश्यूज जिस तरह एक मुस्लिम्स और यूरोपियंस का एक फंडामेंटल इशू है उस पर कंसेंसस बिल्ड करना, तो डिफरेंट हायरार्कीज है ना, तो इसमें वही बात है, बायसेस भी आ जाए, हम देखेंगे कि कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम्स में या आपके जो मीडिया है स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बायसेस भी हम फीड कर देते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को, जहाँ पे वो ब्लैक्स को वाइट्स पे और वाइट को ब्लैक पे एल्गोरिथम एल्गोरिदम्स ऐसे डिजाइन हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको भी हमने टेक केयर करना इन फ्यूचर कि इस तरह के बायसेस ना हो जिसमें एक डिस्क्रिमिनेशन आए किसी भी फंडामेंटल और या फंडामेंटल इश्यू क्रिएट हो, ठीक है, ये चीज। तो एआई इज द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स डू थिंग्स एट विच एट द मोमेंट पीपल डू बेटर, राइट। वो बात तो वही है कि हमने आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट तो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का कि जहाँ पे पीपल जो है और ह्यूमंस लिमिट हो जाते हैं वहां पे, और इसी तरह वाइस वर्सा। एआई इज द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर्स, राइट, तो ये है डेफिनेशन। एआई इज द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर्स, जहाँ पे माइंड साइंसेस की ज्यादा क्लेम जाती है। एआई इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट सीक्स टू डिस्प्ले एंड एमुलेट इंटेलिजेंट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस, ठीक है, इंटेलिजेंट बिहेवियर की यहाँ पे ये बात आई है कि ये कुछ तो होते हैं ना नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स, ठीक है, कि उनको लेकिन इंटेलिजेंटली आपने डिसीजन कैसे लेनी है वो भी आपने कोई और डिसीजन लेनी है उसको एक्सप्लेन भी करना है, उसकी रीजनिंग भी देनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो लेटेस्ट डेफिनेशंस हैं वो वहाँ पे आ रही हैं उसके बाद। और वही जिस तरह हिस्ट्री ऑफ एआई, सर का वेट करो, कंटिन्यू करें। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ एआई में नॉलेज बेस्ड अप्रोचेस आजकल जिस तरह अर्ली सिस्टम डेवलपमेंट में 1969 1970 और 1990 के दरमियान में नॉलेज बेस्ड अप्रोचेस पे काम शुरू हो गया, जब हमें पता चल गया ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हम किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को स्टैटिस्टिकली देख सकते हैं, साइंटिफिकली देख सकते हैं, तो उसमें हमारे पास फिर नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स पे काम करना होना शुरू हो गया, जिसमें स्टैटिस्टिक्स में आपकी क्या क्या काम हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे डाटा भी इन्वॉल्व है ना, तो उसमें प्रोबेबिलिटी का, पहले तो लॉजिकल सिस्टम्स चल रहे थे ना हमारे, किसी भी कंप्यूटर प्रॉब्लम है कि हमने ये क्लेम किया, ठीक है, और फिर ये रूल अप्लाई किया तो ये डिसीजन आ जाएंगे और दिस इज सक्सेस और दिस इज फेलियर, ये राइट था या रॉन्ग था। लेकिन जब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया स्टैटिस्टिकल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी इन्वॉल्व हो गई कि कुछ हमारे पास सक्सेसेस भी हो सकती है, कुछ फेलियर्स भी हो सकते हैं, और उसकी अनसर्टेनिटी भी आगे भीड़ में, क्योंकि जब हमने एआई को ह्यूमन माइंड के करीब रख के देखना शुरू कर दिया ना और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, तो वहां पे ग्रे एरियाज भी हमें समझ में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मिडवे, ठीक है ना, और प्रोबेबल सक्सेसेस और फेलियर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कोई एक डिसीजन जो है वो ना तो इट इज वेरी सर्टेन और ना ही, और उसमें एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर हमने बताना होता है, और फिर वही बात है, फिर उस पे जो डिसीजन लेनी होती है कॉन्फिडेंस लेवल को देख लेनी होती है, ठीक है, चलें। हाँ ठीक हो गया जी, बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स अब जो जहाँ तक आ गए हैं वो आपको बताते हैं कि ये 90% कॉन्फिडेंट हैं हम कि ये आपकी जो डिसीजन है वो ये होनी चाहिए, लेकिन आपने आपको जो एक एनालिसिस है वो हमें ये डिपेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपने जो फेशियल रिकॉग्निशन पे कोई आप चाहते हैं कि ये दिस इज 90% मैच विद दिस पर्सन, ठीक है, और 50% इस तरह, राइट, हाँ, प्रोबेबिलिटी जो है हमें बता देती है कि मिडवे में भी हो सकता है हमारा डिसीजन।
और इस पे आप फिर यहाँ पे फिर हम ह्यूमन कंट्रोल को देखते हैं कि उसने ये डिसीजन लेनी है या ये डिसीजन लेनी है, उसको एक्सप्लेन भी कर दे विद रीजन तो हो सकता है, राइट। चलें, अच्छा ये इसको हम कैसे, हाँ आ गया आ गया, उसका मसला उसको अच्छा। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारा ये जो जूम है फिर से रीस्टार्ट होगा इंशाल्लाह दोबारा, तो आप लोग दोबारा एंटर हो जाइएगा, ठीक है, जब भी हम रीस्टार्ट करें। ओके, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ एआई 1990s में हम पहुंच गए हैं, हम कहां से स्टार्ट हुए थे, 1956 से लेकर, फिर हमने देखा 1970s टू 1990s, हमने देखा नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स आना शुरू हो गए जहां पे हमें प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट आ गया कि ना ही जरूरी है कि बिल्कुल सक्सेस करते हो और फेलियर करते हो, मिड वे भी हो सकती है कि इतना प्रोबेबल सक्सेस है और इतना प्रोबेबल फेलियर है, राइट सर। और 1990s में हमने जिस तरह कुछ इस तरह हो गया, लाइक हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसलेशन कैसे हो रही है किसी भी उसकी फेस की, ना जिस तरह ये द बोट का इज गुड बट मीट इज रॉटन, ये एक रशियन फ्रेज है इस तरह, और इसको हम जब इस रशियन प्रोवर्ब को जब ट्रांसलेट करेंगे तो वो मेरे ख्याल से ऊपर उसके चले कुछ इस तरह था कि रॉटन जो है वीक से, उससे मैं ऊपर चला गया स्लाइड में ना तो नजर नहीं आ रहा है गैस। अच्छा खैर, वो रॉटन को हमने वीक से डिनोट कर दिया, और जो वोट का था उसके कुछ आ रहा है कि लाइक जिस तरह एक वो होता है ना विस्की टाइप, तो उसको उससे कंपेयर किया, तो मैं शायद मैं बाद में इसको क्लियर कर लूंगी, तो उससे सिनोनिम ये फ्रेज जो है उसको ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है कि हम उसको कैसे रिजल्ट्स बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड मेड इट हार्ड टू एनकोड ऑल रूल्स, हाँ जी ठीक है, इतना तो फ्रेज हमने देख लिया कि रशियन को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन वही बात है जहां जहां कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है वहां जो है वो आपके रूल्स को अंडरस्टैंड करना एक कंप्यूटर के लिए मुश्किल भी हो जाता है, और प्रॉब्लम स्पेस आपकी ग्रो हो रही है विद टाइम, ठीक हो गया। तो जी सर अनवर, आपने कुछ बात करनी करें प्लीज। जी, वो आपकी आवाज जो है ना वो आगे पीछे हो रही है, इसलिए बस आपको तवज्जो चाह रहा था कि अच्छा, वो आवाज मैडम विद्वान ने मिस वधवानी ने भी नीतो ने भी यही बात कही है हम बार बार, और यही कि आवाज जो है वो आगे पीछे हो रही है। जी सर, अब आ रही है आवाज। एक्चुअली मैडम आवाज आ रही है, वो बीच बीच में फ्लो जो है ना वो लोअर लोअर साइड पे चली जाती है तो समझ नहीं आता, मतलब थोड़ा सा फ्लो लो हो जाती है फिर नॉर्मल हो जाती है, अदरवाइज इट्स द सेशन इज गोइंग वेरी वेल। अच्छा, चलिए मैं देखती हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे थे जिस तरह के हिस्ट्री ऑफ एआई, हाँ जी, नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स को हम जिस तरह देख रहे थे उसमें डेटा ड्रिवन अप्रोच हमारे सामने आती है कि जो अच्छा डेटा ड्रिवन अप्रोचेस में जो हमने जिस तरह नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स का भी देखा उसमें यही है, सर के साथ में हमारी बात हुई हुई है कि डेटा ड्रिवन अप्रोचेस है ये, ठीक है। जो एआई एडवांसमेंट की तरफ जब गया है तो उसमें जहाँ पे हमने कुछ देखा था सेंसर्स और एक्चुएटर्स के थ्रू भी हम कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हमारे वर्क कर रहे थे जिस तरह रोबोटिक्स में, या लाइक देवर वर्किंग ऑन सेंसर्स बिल्ड, ठीक है। लेकिन जहाँ पे नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स आ जाते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बेशक सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं या हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, हेल्थ एनालिटिक्स हैं उस पे, और जहाँ पे बिग डेटा इन्वॉल्व है तो वहां पे आपका डेटा पे एआई को इनकॉर्पोरेट करके उसके साथ लर्निंग की जाती है, लर्निंग सिस्टम्स बनाए जाते हैं, और फिर आप एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम की तरफ आते हैं, राइट। तो ये है हमारा डेटा ड्रिवन अप्रोच, जिसमें फिर आगे एडवांस जब एआई के एडवांस फील्ड्स में हम देखते हैं तो वो मशीन लर्निंग भी यूज हो रही होती है, और अब जो रिसेंटली एक एवोल्यूशन हुई है वो डीप लर्निंग है, ठीक। वो आजकल में ही हमने डीप लर्निंग को इस तरह यूज करना शुरू किया है एट हाई लेवल एक्सपर्ट सिस्टम्स, राइट। और वहां पे देखने में आता है कि 100% एक्यूरेसीज भी हम देखते हैं, और लेकिन वही बात है कि जहाँ पे 100% एक्यूरेसीज होती है वहां पे फिर ओवरफिटिंग भी हो जाती है डेटा में, ठीक है। लाइक आप वही बात है कि हम कंसेंसस
की तरफ एक कंक्लूडेड इंक्लूजन डिसीजन है वो हम एक फिक्स डिसीजन की तरफ नहीं लेकर आना चाहते। एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी एआई सिस्टम में, ठीक है, फॉर कमिंग टू वन साइड और द अनदर टू शिफ्ट, ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल एलिमेंट होना चाहिए ताकि लाइक आप एक हार्ड कोटेड डिसीजन ना हो, ठीक है। ओवरफिटिंग ये होती है कि जहाँ पे हम एक सिस्टम को इतना डेटा इतना हार्ड कोडेड दे देते हैं कि वो उसको लगता है कि हम मैंने बस इसी 100% कंक्लूजन पे आना है, ठीक है, और उसमें लेकिन गुंजाइश होती है कि आप कि इस डिसीजन के अलावा भी कोई डिसीजन होती है जिसमें हर हर एक प्रॉब्लम के लिए ग्रे एरियाज होते हैं, ठीक है। तो एक हार्ड कोडेड हमें यही होता है कि जो एक वो है ना लाइक लॉक ना हो सिस्टम, यहाँ पे ये डिसीजन हो गई और बस खत्म, ठीक है। जैसा एक फैसला ले लिया किसी, जो आपके फैसला होता है ना कि लाइक उसमें कोई भी फैसला हो उसमें चेंज होने की एक होनी चाहिए अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा एआई को हमने देख लिया कि इंडस्ट्रीज में, बिजनेसेस में, हर ऑर्गेनाइजेशनल कोई भी आपका टास्क हो उसमें एआई यूज हो सकती है। जैसा बिजनेसेस में हम ईआरपी सिस्टम्स की बात हो रही थी, वो ईआरपी सिस्टम्स भी जो हैं वो डेटाबेस सिस्टम्स जिनको हम कहते हैं, दे आर नॉट एआई इनेबल्ड सिस्टम्स सबके सब, ठीक है। उनमें आप एआई को इनकॉर्पोरेट करेंगे फॉर इंटेलिजेंट डिसीजन, वरना वो सिंपल राइट, वरना वो डेटाबेस। सिंपल रिट्रीवल सिस्टम्स है, ठीक है। अच्छा अब हमें व्हाट इज बिहाइंड मॉडर्न सक्सेस ऑफ एआई, जो उसकी एडवांस फॉर्म्स है, दैट इज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस मेंशन हुई हुई हैं, आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स मैंने बड़ी दफा कहा है, उसमें फिर आपके आपके जब हैजर्ड्स की बात होती है तो बहुत चीजें इर्द गिर्द की जिसमें एनवायरमेंट पूरी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। उसमें आपका ट्रैफिक प्रिडिक्शन भी है जिसमें हम गूगल मैप्स वगैरह को जो फॉलो करते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं वो देखते हैं, ये सारा इंटेलिजेंट बेस्ड सिस्टम्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन किसी भी ई कॉमर्स साइट पे चले जाएं, ठीक है, सोशल साइट पे चले जहाँ जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, जहाँ लाइक जहाँ से आपने चीजें खरीदनी है बेचनी है, वो सारे जो हैं रिकमेंडेशन बेस्ड सिस्टम होते हैं और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। जो भी इसी तरह ईमेल स्पैम एंड मालवेयर फिल्टरिंग, आप लोग अपने जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम जो पब्लिक क्लाउड्स का अगर आपको नो हाउ हो, जिस तरह जीमेल्स हैं या और हमारी माइक्रोसॉफ्ट की हॉटमेल वगैरह की जो पब्लिक ईमेल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे आपको ईमेल स्पैम्स और मालवेयर का काफी खतरा रहता है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें कोई भी जो है आपका लाइक मिलिशियस पर्सन या पर्सन कोई भी मिलिशियस आपके ईमेल्स आ सकती हैं आपको जिसपे आप क्लिक करें और आपका कंप्यूटर हाईजैक हो सकता है, ठीक है। ये चीजें ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स पे काम कर रही होती हैं और उसी उसी के थ्रू आपको आपका पूरा कंप्यूटर हाईजैक करके आपकी इंफॉर्मेशन भी हाईजैक हो सकती है और आगे से आगे काफी उसके हैजर्ड्स पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अवेयरनेस होनी चाहिए आजकल जिस तरह की पब्लिक डोमेन्स में ये सब कुछ सब काम हो रहे हैं और साइबर सिस्टम्स हैं उसमें भी आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए कि इन चीज़ों को सिक्योर रखें और बेशक कंपनी ईमेल्स वगैरह को यूज़ करें और वो प्राइवेट क्लाउड्स पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर पता है किसी को क्लाउड सिस्टम्स के बारे में। वही बात है, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट में आपके गूगल सीरी आ रही होती है और सारे ये जो आपका वॉइस सिस्टम्स हैं और जिसपे आप अपने कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ये आ जाते हैं, लाइक आप अपने वॉइस बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू सर्च भी कर सकते हैं, टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर को कह के, ये चीज़। और ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन भी आपके जिनके जो क्लाउड या साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो भी एआई को लेकर चल रहे हैं आजकल, मालवेयर को डिटेक्ट करने के लिए इन हाई डेटा प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, उसके अंदर आपने एक मालवेयर को डिटेक्ट करना है तो उसको आपको डेटा को स्टडी करना पड़ता है कि कहाँ पे डेटा एनोमली क्रिएट हो रही है, ठीक है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ये भी एआई बेस्ड सिस्टम्स हैं, एनालाइज हो रही होती है पूरी मार्केट और ऊपर नीचे हो रही होती है उसी डाटा को की बेसिस पे। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में इस्तेमाल हो रहा है एआई,
ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन हमने डिस्कस किया, उसमें होता है, इमेज रिकग्निशन में, स्पीच रिकग्निशन में, हर जगह पे आपका एआई है जहाँ पे डेटा है, ठीक है। और वही बात है कि जब हम एआई को लेकर सिस्टम्स क्रिएट कर रहे होते हैं और जिस तरह जिस तरह डेटा आजकल डेटा बढ़ता है उसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, और उसी तरह और उसको आपको एनालाइज करने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए उसको वो भी आपके फिर वो हाईटेक सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं, और कंप्यूटिंग जो पावर है वो आपको ज्यादा चाहिए उसकी, उस जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम होगी उसको उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके सिस्टम्स भी वेरी करेंगे, ठीक है। और आपके कंप्यूटर पावर का आपको पता है लाइक वॉट्स में है, और या उसमें मेमोरी कितनी चाहिए और उसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी होनी चाहिए। अगर इमेजेस को एनालाइज करना हो तब भी आपको पता होगा कि वो फिर कंप्यूटिंग पावर उसी तरह इंक्रीज करती है आपकी रिक्वायर्ड, ठीक। एमएल एल्गोरिथम्स में हम देख लें, ये नजर आ रहे हैं हमें कुछ ग्राफ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर में जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की जो अर्ली स्टेजेस हैं उसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग आपको पता होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है कंप्यूटर रिलेटेड या एआई सिस्टम्स पे, सुपरवाइज्ड लर्निंग में होता है सुपरविजन होती है, डेटा के थ्रू पूरी पूरी सुपरवाइज किया जाता है उस पर जो आपके पास लेबल्ड डेटा होता है, ठीक है। लाइक उस पर ट्रेन किया जाता है आपकी एल्गोरिदम्स को, एआई एल्गोरिदम्स को, लाइक जो लेबल डेटा के हिसाब से हमें पता है कि उसमें जो डिसीजंस हैं वो ऑलरेडी टेकन जो डिसीजंस है उस डेटा पे वो भी रखी जाती हैं, और उन डिसीजंस की बेसिस पे एक सिस्टम जो एल्गोरिदम है उसको ट्रेन किया जाता है कि फ्यूचर में भी इसी तरह का सिमिलर कोई डेटा आपके पास आएगा तो उस पर इस तरह की जो है रूल्स को अप्लाई करते हुए आपने ये डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, और सेमी सुपरवाइज जो होती है और अनसुपरवाइज्ड मैं बता दूं पहले तो फिर आप सेमी सुपरवाइज को अंडरस्टैंड कर लेंगे। अनसुपरवाइज्ड में वो डाटा जो होता है वो लेबल्ड नहीं होता, यानी कि एक टारगेट क्लास जिसको हम कहते हैं कि इस पूरे इस हायरार्की से अगर ये आप ये इनपुट्स आती हैं जिस हायरार्की से, ठीक है, किसी भी डिसीजन के लिए जो पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं उनको देखते हुए जो जहां तक आप डिसीजन तक पहुंचते हैं वो डिसीजन सुपरवाइज्ड लर्निंग में तो आपको वो टारगेट क्लास मेंशन होती है, लेकिन अनसुपरवाइज्ड क्लास में वो आपको टारगेट क्लास मेंशन नहीं होती, उसमें फिर आपकी क्लस्टरिंग वगैरह होती है और उसको ग्रुप किया जाता है एक तरह के डेटा को, सिमिलर डेटा को, ठीक है, और उसकी बेसिस पे डिसीजन ली जाती है, राइट, सही, यानी कि जो डिसीजन है वो टीच नहीं की जाती कंप्यूटर को। जी जी सेल्फ इम्प्रूव सिस्टम वो मैं आपको बताऊंगी, वो री इन्फोर्समेंट लर्निंग भी आगे आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये सुपरवाइज्ड हो गया। अनसुपरवाइज्ड में आपको डिसीजन टीच नहीं की जाती कंप्यूटर को, वो खुद लर्न करता है। अनसुपरवाइज्ड में है तो सुपरवाइज्ड लर्निंग भी लर्निंग है, यानी कि कंप्यूटर लर्न ही कर रहा है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक तरह का डेटा विद सम डिसीजंस जो अर्ली ऑलरेडी ले चुके हुए उस पे उसको टीच किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, वो फिर वो लर्न करके आगे जो उसको सिमिलर तरह का डेटा होता है उस पे वो फिर वो डिसीजंस बनाता है, ठीक है। लेकिन अनसुपरवाइज में वही बात है कि आप एक सिमिलर तरीके का जो या रूल बेस्ड आपके पास डेटा है उसको ग्रुप कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप फिर वो डिसीजंस के लिए ट्रेन कर सकते हैं किसी भी एआई सिस्टम को, ठीक है। और सेमी सुपरवाइज में होता है कि कुछ डेटा जो है आपके पास लेबल्ड होता है और कुछ जो है अनलेबल्ड डेटा होता है और उसको फिर आप उस पर वो लर्न करता है एल्गोरिदम और फिर डिसीजन मेकिंग की तरफ आता है। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो भी डेटा क्लासिफाई करना होता है लाइक ये जो कैट है या ये डॉग है, ठीक है। और जो क्लस्टरिंग है वो एक ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर डेटा होती है जिसमें, ठीक है, कि एक तरह का डेटा लाइक फॉर एग्जांपल मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, ठीक है, ये एक डोमेन होगी, एक ग्रुप हो गया। उसमें फिर कितनी क्या क्या एजेस के ग्रुप्स हैं जिनको कुछ डिजीजेस हैं, कुछ कुछ नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, और उसमें डिजीजेस में भी कौन कौन सी डिजीजेस हैं, फिर उसमें ग्रुपिंग, ये क्लस्टर बेस्ड सिस्टम आ जाता है। सिम्टम्स को आप ग्रुप कर सकते हैं और फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये कौन सी जो डिजीज है वो डायग्नोज हो रही है इस पेशेंट में, पर्टिकुलर पेशेंट में या मल्टीपल पेशेंट, राइट। हमने फिर एवोल्यूशनरी जो लर्निंग है
वो आपकी एक वो एक डिफरेंट तरह का एल्गोरिदम है, एआई एल्गोरिदम ही है, और उसमें जेनेटिक एल्गोरिदम्स भी आ जाते हैं एवोल्यूशनरी लर्निंग में, और इस ना उसके एक एक डिफरेंट साइंस है वो, हम जब एल्गोरिदम्स को स्टडी करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि उसमें किस तरह वो एल्गोरिदम्स बिल्ड होते हैं, ठीक है। और री इन्फोर्समेंट लर्निंग में मैं आपको बता दूँ, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि जो सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स हैं वो होते हैं रिवार्ड सिस्टम्स के थ्रू, कि जिस तरह एक कंप्यूटर लर्न कर रहा है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और एक एनवायरमेंट में होते हुए, कि इस जब हम मैं ये एक ये एक्शन करता हूँ तो उस पर ये रिस्पॉन्स आता है और मैंने फिर ये डिसीजन लेनी है, ठीक है, ये चीज है। फिर वो उस जो रिस्पॉन्स आता है ये उसकी बेसिस पे वो आगे लर्न करता है कि मैंने ये इस तरह रिएक्ट करना है। इस वक्त एआई में टॉप 3 लीडर्स कौन है दुनिया में? एआई में टॉप थ्री लीडर्स मुल्कों की, मुल्कों की, वो तो यूएस, यूएस का नाम हाँ हो गया, एआई आदि बता, 3 3 कौन है? टू थ्री कौन है, सेकंड थर्ड यूके, मैंने यही देखा था कि एआई में नहीं इतना आगे बढ़ा अभी तक, कोशिश कर रहा है। हाँ जी एक मिनट, मैं इसको ना जरा स्क्रीन शेयर करना चाह रही थी। हाँ जी इंडिया भी बहुत आगे है, बिल्कुल इंडिया, इंडिया ने काफी अमेरिकन को बहुत पहले फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छा आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने क्या किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, और बस यानी कि उसके बाद आप सर के साथ हैं रिसर्च में, अच्छा तो उसमें आप एआई को यूज करना चाह रही हैं, और आप क्या बता रही है एमफिल में कहाँ पे एआई इंट्रोड्यूस हुई है इसमें? तो उससे वो एआई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी कोर्स कर रहे हैं, अच्छा उनके एमफिल प्रोग्राम के। तो आपका वो जारी पता इंटरेस्ट होगा ना, एआई यूनिवर्सिटी ने काफी अपने आप को अपडेट किया इस लिहाज से, इसीलिए मैं कहूँ सेक्टर इसी तरह साइबर सिक्योरिटी में भी उन्होंने काफी अपनी फील्ड्स रिसर्च इंट्रोड्यूस की हैं कंप्यूटर साइंस में। वो एआई पे बहुत क्या होता है, जूनियर हाँ सीनियर हाँ और बहुत अच्छा, एक साल है बिल्कुल इसमें ये हाँ, लगता उसने एमफिल कर लिया होगा आपके साथ ही किया होगा, है अच्छा बस वो जिन जिनका हायर स्टडीज का नहीं इतना इरादा होता तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये एक साल का कोई कोर्सेस वगैरह कर, अच्छा। हाँ गुड, बस बस वो फिर वो वो इन्हीं के साथ कुछ होगा ना इंटरेस्ट उसका भी एमफिल ज्वाइन करने का या कुछ। हाँ बिल्कुल, जो सोशल एस्पेक्ट्स तो देखें काफी क्लियर है ना इन सब में। हाँ जी होता हाँ बिल्कुल, हाँ है जी ना, जी 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 हमें वो न्यूरल नेटवर्क्स कैसे जी इंटीग्रेट हो रहे हैं, जी वो जी मेरिट जी प्रोसेस और सारा, तो हाँ बिल्कुल हम जान ही रहते हैं। एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन तो उसकी बड़ी क्लियर समझ आ रही हाँ हाँ वही बात है जी 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 यानी कि जिन्होंने सिर्फ यूज करना है ना एक चीज ऑफ द शेल्फ उठाकर, तो जी। बिल्कुल ज्यादा प्रॉब्लम है अगर कोई बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल हो और मशीन लर्निंग में प्रोग्रामिंग करे, हाँ जी प्रोडक्ट्स हाँ बनाए, जी वो मुश्किल है बिल्कुल एल्गोरिथम्स बनाए, जी जी वो प्रॉब्लम उसमें एरिया में जाना ही नहीं, उसके एप्लीकेशन तो है हाँ सही। ज्यादा ये प्रॉब्लम। जो है ना हमारा ये अब आपको दिखाएंगे कि बच्चों के इंटरेस्ट की चीज थोड़ी सी, कि बच्चों को कैसे बिजी करना है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा मशीन लर्निंग कोडिंग वगैरह में, तो एक स्क्रैच लैंग्वेज है पाइथन के अलावा, और उसमें आप ये अरब से लिए, मैंने एक अरेबियन कंट्री से ना ये इस तरह का इमेज, तो वो डोंकी को सिखा रहा है एक कि किस तरह आपने जो है ना डिजिटल इमेजेस नंबर्स फॉर्म में, तो उनको उसको अंडरस्टैंड करना है कि 1 is 1, 2 is 2, 3 is 3। मैं ये आप जब ये करेंगे ना हैंड्स ऑन आपको फिर पता चलेगा कि, सी प्लस का तो पढ़ाते हैं जो क्या? मशीन लर्निंग है ना उसमें जैसा एल्गोरिदम्स, ये जो एआई एल्गोरिदम्स है आप इनको भी देखोगे ना कि किस तरह डिजाइन होते हैं, इनके भी लो लेवल कोडिंग भी होती है, और जब आप समझो उसमें आप हाई लेवल पे आओगे ना तो वो मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट बन जाता है। ओके लेट्स कंटिन्यू विद आवर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ठीक है। इस एक्टिविटी में ये है तो मशीन लर्निंग और किड्स डॉट को डॉट यूके, ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा किड्स को ही इसके साथ क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा ट्रेन करते हैं मशीन लर्निंग के लिए, तो इसमें हम देख लें गेट स्टार्टेड में आपके पास साइन अप भी है, ठीक है, साइन इन भी है, और मैं और लॉग मैं इन लॉगिन करूंगी करूंगी आपके आपके सामने सामने। ही, तो इसका
हाँ जी सर, ये जी मेरा सर, ये उसका मेरा कहते हैं ना तखल्लुस उसका क्या हुआ तखल्लुस नहीं नहीं अच्छा पासवर्ड सेव रखना। अच्छा ये गो टू योर एडमिन पेज पर नहीं जाऊंगी, गो टू योर प्रोडक्ट्स, ठीक है? अच्छा ये मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपना किया था थोड़ा सा कि रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस एज वन और टू, ठीक है? इसी को हम अपडेट कर लेते हैं आपके सामने लेते हैं। अच्छा इसमें देखते हैं तीन टैब्स होंगी, ट्रेन लर्न एंड टेस्ट और मेक। मेक में होता है हम कोई मॉडल में डाटा इनपुट कर रहे हैं और उसको हमने रेडी किया है फॉर लर्निंग, और फिर हम लर्न करते हैं और टेस्ट कर और लर्न करते हैं और ट्रेन करते हैं उसको उस डाटा पे और फिर टेस्ट करते हैं कि उसकी आइदर फाइनल। चलिए इसको मेक में, हाँ मेक में दोबारा जाएंगे हमने इसमें वन और टू है ना सर, आई गेस जस्ट अ मिनट। अच्छा इसमें एडिटिंग कैसे करनी है, एक मिनट लर्न टेस्ट लर्न टेस्ट। ये आ गया, हम मैंने टू लेबल्स क्रिएट किए थे, हम इसमें और लेबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो जिस आपके सामने ना, ठीक है इसी तरह किया था, पहले बिल्कुल खाली था, ठीक है? तो उसमें हमने ऐड न्यू लेबल किया, तो वन किया एंटर और फिर उसमें फाइव उसकी लाइक फाइव एग्जांपल्स एंटर की कि इस तरह भी वन हो सकता है, इस तरह भी वन हो सकता है, और टू के भी इसी तरह कॉम्स, और ऐड न्यू लेबल करेंगे तो ये थ्री हम एंटर करते हैं, राइट? कि हम थ्री के डिफरेंट उसकी ड्राइंग्स एंटर करेंगे अपने कंप्यूटर में इसमें एल्गोरिथम के लिए। अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं ड्रॉ करके, थ्री कैसा होता है, इस तरह का होगा, अब ये देखो। अच्छा फाइव फाइव एग्जाम्पल्स ही कर लेते हैं, थ्री फिर इस तरह भी होता है। जी हाँ जी अच्छा उर्दू में नहीं नहीं एक इतना मुश्किल ही देना हमने वो नहीं ये देखिए ये अगर समझना चाहे सेवन सेवन समझते हैं इमेज को ना कंप्यूटर, और हो गए एग्जांपल्स, ये हमारा हो गया फाइव फिफ्थ, ये देखा देखते हैं। अच्छा इसी तरह हम एडमिट करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम खालिद मुगल सर, हम ये कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहे हैं मशीन लर्निंग फॉर किड्स, तो इसमें हम लेबल्स कुछ एंटर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वन टू थ्री फोर वाले तक लेबल्स काफी होंगे, आई गेस फाइव फिफ्थ भी कर लूंगी मैं। फोर अब हम किस तरह लिखते हैं, एक फोर इस तरह होगा एग्जाम्पल, अब ये ए भी हो सकता है। अच्छा एक फोर हमारा ऐसे होगा, क्या है तो फोर ही नहीं लिखना हमारा। चले देखें क्या करता है कंप्यूटर हमारे साथ, ये रिफ्लेक्ट करते कितना
वही ना। हाँ देखो, एंटर करते हुए पता चल रहा है कि कितने कितने इसके फॉर्म्स हो सकते हैं एक ही नंबर के। 5, अच्छा 5th हो गया हमारा, 5। ये हमने एग्जांपल्स 5 नंबर्स ऐड कर लिए और उनके उनके ईच की हमने 5 एग्जांपल्स डाल दी। ठीक है, अब इसको हम ट्रेन करेंगे मॉडल को। चलिए, जब तक ट्रेन को मशीन लर्निंग मॉडल किया, जरा एग्जांपल्स पे ट्रेन कर लेगा अपने आप। अच्छा, अब हम टेस्ट कर, ठीक हो गया, सही है, डिलीट हो गया। हाँ, जो पीछे एल्गोरिथम था ना, अब इस ये इसको पता है, इस जो एप्लीकेशन को किसने पीछे कौन सा एल्गोरिथम फिक्स किया हुआ। ठीक है, सिंपल। हाँ बिल्कुल, हाँ, डेटा इनपुट में ना कर लिया, ट्रेन कर लिया, और उसने जारी बात कोई भी मॉडल, आर्टिफिशियल मॉडल होगा इमेजेस के लिए, उसको ट्रेन कर लिया। ज्यादा तो एएनएन ही होता है, वही बात है, न्यूरल नेटवर्क सारे गेम है। अच्छा, अब हम इसको टेस्ट विद वेबकैम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कोई वेब एड्रेस है इमेज का, पर उसको मैं टेस्ट पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपल, हमारे पास 1 से 5 तक है। देखा, ये देखो, इसको इन्होंने बताता है ना, ये 98% कॉन्फिडेंस कि 1 ही है। हाँ, वो जो जो सवाल देखा कि जो एक ये 86% कॉन्फिडेंस इसने कहे थे। लाइक अब थोड़ा सा वो उसमें टच आ रहा था ना, और उसके पास दूसरे डाटा भी है, का भी है, फोर का भी है, इसलिए वो कंफ्यूज थोड़ा सा हुआ है। पांचों में जा रहा है, पांचों। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, कि इसमें से है, इसमें से क्लासेस है, तो 5 लेबल्स मैंने दिए हैं, ये क्लासेस है। ठीक है, इसको मैंने ये नहीं कि लेबलिंग की हुई है, कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये 1 फॉल कर रही है, ये एग्जांपल्स जो है वो 2 फॉल कर रही है। नहीं सर, डाटा को तो आप कनेक्ट ना करेंगे, नहीं, एल्गोरिथम्स को भी कनेक्ट नहीं करेंगे सर। लाइक डेटा तो आप जिस तरह एक डेटा फीड इन कर रहे हैं अपने एल्गोरिथम में, ठीक है, एल्गोरिथम इज कंपोज ऑफ न्यूरल नेट्स। अच्छा, अब इसको हम कर देते हैं 2। अब ये देखते हैं, ये वाला 2, इस तरह का कोई 2 मैंने एंटर नहीं किया था। देखा, 50% कॉन्फिडेंस मजा आता है इस तरह की चीजें करने का। हाँ, ये हो सकता है, आप देखते हैं। वो 9 भी लिखूंगी ना तो वो भी आएगा 4 का। हाँ, रिकॉग्नाइज दिस 79% कॉन्फिडेंस। देखा, ये एरर एरर फोन है ना। अब इसको पता है हम कैसे करेक्ट करेंगे? अब यहाँ पे रिवार्ड का आया ना सिस्टम, इधर अगर कोई होगा ना हमारे पास सिस्टम कि इसको ये 79% कॉन्फिडेंस, तो हम हाँ इसको फीडबैक दे देंगे क्रॉस या कुछ इस तरह का। हाँ, दिस इज नॉट, हाँ
ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग की तरफ चला जाएगा। इसको हम टीच कर देंगे और हम इसको हमने हम क्या डाल सिक्स डाला था ना, हम इसको ये भी कह सकते हैं नो क्रॉस करके दिस इज सिक्स, यानी कि दोबारा एंटर करेंगे ड्रॉ या ड्रॉ कर कुछ इस तरह। तो इस तरह ये सुपरवाइज लर्निंग भी है और नाइन बिल्कुल वो फोर का एग्जाम्पल है ना, उसमें हमारे पास बहुत था। हाँ बिल्कुल और मुझे लग रहा था ये इस तरह ही होगा। तो ये चीज ठीक है। अच्छा अब इसको ना एक और हमारे बड़ा मजे का सिस्टम है, इसको हम जो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा टू डिजिट, हाँ हाँ वन और फोर, लेट मी सी ये तो तनी इसको, हाँ हाँ इसको क्या करेगा, और 70% ना ना जो उसने उसको फीड इन किया ना बस उसमें से सेलेक्ट करना है डेटा ही। बिल्कुल हां जी, ये बहुत बेसिक लेवल पे है, मतलब बड़े लेवल पे भी ऐसे ही होता है। बट नहीं ये बेसिक लेवल है, किड्स किड्स के लेवल का। हां 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 होगा यही, लेकिन वही बात है कि एग्जांपल्स ज्यादा हो जाएंगी। और हम लेट्स से अगर डेटा में पिक्चर फीड जब फेशियल रिकॉग्निशन में जाता है, फिर डेटा आपको टैप करता है, जी 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 ऐसे ही है, बस थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा कि जरा एक्यूरेसी उसमें हम बिल्ड करेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता। वही बात है कि जिस तरह हमारा रोज का ये जो माहौल है सोशल मीडिया, इसमें से कितना लर्न कर रहा है अंग्रेज, कितना लर्न कर रहे हैं एक एक पर्सन की, इनके पास प्रोफाइल है कहाँ कहाँ से, बात तो है ना। हाँ जी बिल्कुल, ज्योग्राफिकल ना जी, हाँ जी इसी तरह फेशियल रिकॉग्निशन डिटेक्ट कर लेते हैं कौन क्या है। अच्छा अच्छा मेक आ गया, हाँ अब यहाँ अब यहाँ मेक आएंगे, लेट मी सी अब ये क्या कहता है, यूज योर मशीन लर्निंग मॉडल स्क्रैच, ये मशीन लर्निंग मॉडल जो है ना इसको हम स्क्रैच कहते हैं, इसी का सिस्टम है, उस पे हम खोल सकते हैं अपने मॉडल को ना और उसमें काम फर्दर इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिस तरह वो डोंकी डोंकी बना है ना मेरी फिगर में रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको थोड़ा सा एनिमेट कर सकते हैं किड्स के लिए। तो ये चीज है। अब इसमें मेरे ख्याल से मैं जरा इसको थोड़ा सा, हाँ इसको बेशक करने हाँ मेरे ख्याल से इसमें ना एक मैं आपको सिर्फ ये दिखा देती हूँ, इसमें एक लाइब्रेरी बन गई ना इधर यहाँ पे है, अभी नीचे आएंगे ना ये इमेजेस, ये देखिए ये हमारा ये बन गया रिकॉग्नाइज इमेज वाला ना प्रोजेक्ट इधर आ गया सारा, ठीक है तो ये कर सकते हैं हम थोड़ा सा मुझे। हाँ इसकी मैं वैसे थोड़ी सी वीडियो बना प्रैक्टिकल तो मैं आपको शेयर करूँ, चले इसको मेरे ख्याल से इतना ही करते हैं वरना हमारी लंबी लग जाएगी। अच्छा ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी हमारी। अच्छा इसी तरह का जो आप स्क्रैच का प्लेटफॉर्म देखा है उसमें, हाँ उसमें ये थोड़ी सी दो मिनट का काम है, दिखाऊंगी मैं कह रही थी दिखाई, ये आप अपने एक्सप्लोर करेंगे ना उस क्रैश का प्लेटफॉर्म, उसमें बिल्ट इन एग्जांपल है, ठीक है प्रोजेक्ट्स बने बनाए हैं, क्रॉस पार्ट हो रहा है और इस तरह की गेम्स हैं। तो हाँ क्या मेरा माउस बिल्ट इन प्रोजेक्ट्स है, क्या इसके साथ। अच्छा हाँ जी, जिस तरह हम ये देखा ना हमने ये सुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल में लिया इमेज, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन और बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन, अब इधर हम क्लासिफिकेशन को भी देख लेते हैं। जब मैंने अनसुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग को एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत, तो मैंने क्लस्टरिंग की बात, हम सिमिलर एग्जांपल्स को ग्रुप कर लेते हैं और फिर उनको लेबल करते हैं इन अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। तो ये जो सुपरवाइज लर्निंग होती है इसमें जैसा मैंने बताया कि डेटा आपको गिवन होता है विद लेबल्स, ये चीज यही है, जिस तरह हमने अभी कुछ एग्जाम्पल देखी कि वन इज वन टू इज टू, तो इसमें वो एग्जाम्पल थे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की, क्योंकि उसमें आपके पास कितने क्लासेस थी, फाइव क्लासेस थी, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है उसके विद इन क्या था ये नहीं हम देखते, उसमें टेन भी एग्जाम्पल्स हो सकती थी, इलेवन भी, ट्वेंटी भी, ठीक। तो ये चीज वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की एक एग्जाम्पल थी, राइट। और बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होता है, यस और नो, वन और जीरो और वन, ठीक है।
तो ये चीज उसमें आपके फ्रॉड डिटेक्शन भी आ सकती है, एग्जांपल टॉक्सिक कमेंट डिटेक्शन भी आ सकती है, यस और नो, राइट और रॉन्ग, ये चीज सही हो गया। एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग का मैंने जैसा बताया एक क्लस्टर है कि आप एक तरह के डाटा को ग्रुप कर दें विद इन वन कन्फाइनमेंट और दूसरी तरह के दूसरे तीसरे तरह के तीसरे को और इसको एक इस पूरे ग्रुप को लेबल कर कि दिस इज हेल्थ केयर डाटा, दिस इज बिजनेस डाटा एंड दिस इज सोशल डाटा। तो ठीक है, इसमें फिर फर्दर एनालिसिस करें इस डाटा के विदिन क्या फाइल्स हैं, इसके डाटा के अंदर क्या है, उसमें से डिफरेंट इंटरप्रिटेशन परसेप्शन आप परसीव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है डीप न्यूरल नेटवर्क, ये आप ना हमने समझना है कि ये है न्यूरल नेटवर्क की एग्जांपल। 1980s एरा न्यूरल नेटवर्क, ये सिर्फ थ्री लेयर्स है, ठीक है, एक हिडन लेयर विद इन, एक इनपुट लेयर है, ये आप हम ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि डाटा रोज जा रही है, ठीक है, ये डाटा एक डेटा नोड्स जा रही है, लाइक इसमें आप कर लें कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने देखा 1 2 3 4 5 जा रहे हैं उसके विद इन कुछ डाटा और वो इस हिडन लेयर के अंदर प्रोसेस हुआ, ठीक है, और आउटपुट लेयर उसने एक जनरेट कर दिया जो आपको बता रही है कि ये जो वन आपने एंटर किया था, एक वन जो एंटर किया था उसका एक सिरा इसमें था, एक जो भी बीच का एलिमेंट था, फिर उसका जो एंड सिरा था फॉर एग्जांपल ये था, ठीक है, और उसने उस ये जो इनपुट लेयर और जो आपने अपना डाटा एंटर किया वो दोनों प्रोसेस होकर और उसने एक आउटपुट लेयर जनरेट की जिसमें उसने कहा ये इस इनपुट डाटा और जो आपने डाटा एंटर किया था उसको देखते हुए ये आउटपुट रिजल्ट ये, ठीक है, उसने सब इनपुट्स के साथ मैच किया 1 2 3 4 5 और वो 1 जो था उसने उसको क्लासिफाई किया कि दिस इज 1, राइट, ये एक पूरा सिस्टम उसके अंदर उसको जाता है न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू अंडरस्टैंड। और ये जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स है इसमें फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज पिक्चर सही इनपुट हुई है, ठीक है, अब इसमें अब ये डीप किसके साथ कंपेयर करेगा, ये बहुत सारे फेसेस होंगे ना इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी, ठीक है, तो इस बंदे की वो एक आंख लेगा, एक नोज लेगा, लिप लेगा, अदर आई लेगा, ठीक है, चीक्स लेगा, माथा लेगा, राइट, और उसको कंपेयर करेगा सब फेसेस के इसी तरह के आइटम्स के साथ, ठीक है, और एक कलेक्टिव पिक्चर ड्रॉ करेगा और अंडरस्टैंड करेगा कि ये फेस किस फेस के साथ मैच करता है जो उसके सिस्टम में फीड इन, जी 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 फीड इन, तो वो आपको बताएगा कि ये आउटपुट जो है ये जॉर्ज नाम के साथ मिलती है, ठीक है, ये पिक्चर, तो ये चीज है। हाँ बिल्कुल, इमेज रिकग्निशन इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। हाँ अभी तक इसको हम वो जो कैट और डॉग की एक एग्जांपल नजर आती है वही अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ जी, अच्छा अच्छा सही, मुझे नहीं पता, अच्छा अच्छा सही, वही ना, बिल्कुल सही है। इसी तरह ये डिफरेंट यूज केसेस ऑफ एमएल मशीन लर्निंग प्रेडिक्शंस आप देख लें, ये जो मैंने बताया था कि इंग्लिश सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेशन, ये है कि कॉम्प्लेक्स टास्क जो हम परफॉर्म कर रहे हैं आजकल डेली लाइफ में, डायलॉग है, कन्वर्सेशनल हिस्ट्री रिकॉर्ड्स हो रहे हैं आपके, ठीक है, जो भी आप व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज आपको पता है ना रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगर कोई करना चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप अगर किसी की ठान खाई में आ गए तो दे विल रिकॉर्ड यू, बिल्कुल, तो नेक्स्ट एक्ट्रेस, हाँ, और इस कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो जनरल हिस्ट्री है हमारी उसमें हम जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं अपनी चैट में वो आगे जाकर पूरा कर रहा होता है या अपनी ईमेल में भी वो बता रहा होता है कि आप इसको फुल फिल इस तरह कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट एक्ट्रेस ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू है ना कि वो आपके सेंटेंस को कम्प्लीट कर देता है, कभी आपको पता है आप एज अ जब ग्रो करते हैं तो आपको पूरा सेंटेंस अंडरस्टैंड करने में और लिखने में कितनी प्रॉब्लम होती थी, तो ये चीज आपने कंप्यूटर को सिखा दी। अच्छा, इमेज सेगमेंटेशन, हमने इमेज सेगमेंटेशन देख ली कि डिफरेंट सेगमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशंस में भी, हम मैप में भी अगर हमने किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को टारगेट करना है या अंडरस्टैंड करना है तो हम उसको सेगमेंट करते हैं पहले और फिर टारगेट करते हैं कि ये टारगेट लोकेशन है और इधर ये हैपनिंग हो रही है और यहाँ पे ये काम हो रहा है। इमेज कैप्शनिंग, अच्छा फिर हम जो इमेजेस हैं उनको कैप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, कोई हम इमेज अपलोड करते हैं खुद ही कैप्शन आ जाता है कि दिस
दिस पर्सन या फिर टैग कर लेता है ओके अंडर वो इमेज रिकॉग्निशन में आ जाता है फेशियल रिकॉग्निशन में तो अंडरस्टैंड कर लेता है. शैल वी टेक अ ब्रेक. अच्छा अब नेक्स्ट जो है टाइप फोर हमने अभी तक देखा सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड और तो उसमें हमने सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड देख ली और अब आगे जो फोर्थ टाइप है वो जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स. ठीक है तो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल में क्या आपको नजर आता है फर्क करना डिफरेंशिएट करना विद टू आइटम विद इन टू आइटम जिस तरह ये डॉग कैट और डॉग एग्जांपल जिसमें हमने सिर्फ बताना है कंप्यूटर ने कि ये आइदर इट इज अ कैट और आइदर इट इज अ डॉग. ठीक है तो इसमें आप लीनियर अप्रोच भी देख रहे हैं इसमें डिस्क्रिमिनेटिव में एक आप ये खींच रहे हैं बिटवीन आइटम ये फर्क कर देते हैं ये यहां पे ये है और यहां पे ये है. अगर इसमें फॉल करेगा तो रेड रीजन में फॉल करेगा तो कैट अगर ब्लू रीजन में फॉल करेगा तो डॉग. ठीक है और जनरेटिव में क्या होता है जनरेटिव में आप कोई जिसमें डिस्क्राइब कर देते हैं किसी सीनरी को या किसी इमेज को ड्रॉ कैट फॉर एग्जांपल सिर्फ हमने डिस्क्राइब कर दिया और उसमें एक पिक्चर जो है जनरेट कर दिया कैट. ठीक है विद योर फॉलोइंग योर डिस्क्रिप्टिव डेटा जिस तरह एक सीनरी है उस पर आप आजकल हो रहा है आप डिस्क्राइब करते हैं सीन को उसके लिहाज से वो एक इमेज जनरेट करता है बिल्कुल ये कैट उसको समझाया मैंने ये लेबल किया है हर कैट डिफरेंट कैट्स ये कैट है तो उसी तरह की कैट जनरेट करता है डिस्क्रिप्टिव डेटा. अच्छा जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स काम किस तरह हो रहा है लाइक ये तो ये एक ऊपर की एग्जांपल है जिसमें नंबर्स आप देख रहे हैं उसमें तो सिंपल लिखा है ना लाइक डिस्क्रिमिनेटर बनाया हुआ है लाइक जनरेट हाँ वो कुछ इनपुट डेटा जनरेट भी कर रहे हैं और साथ उसके ऊपर ट्रेनिंग डेटा भी मिल रहा है आपको देख रहे हैं. ठीक है मेरा माउस नहीं आ रहा like real hand digits भी आ रही है और random voice को निकाल के हाँ तो generator के through भी generate कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और वो गया बीच में discriminator के बीच में और compute कर रहा है कि how much within the range कि कितनी accuracy और loss को देख confidence level के basis पे कि ये कौन सा number है हो गया ना. हाँ चलिए हम आगे चलते हैं इतना समझ आ गया कि ये जिस तरह ये जो एक फेशियल फेस दिखाया ये अब इसने ना इस साइट को भी आप विजिट कर लीजिएगा दिस पर्सोना दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट .com. ठीक है जनरेटिव इमेज है. ठीक है और इसी तरह वो जो सीनरी आपको नजर आ रही है वो भी जनरेटिव आपने यानी कि थोड़ा सा उसको इनपुट डाटा दे दिया उसको खुद उसने बना दिया जनरेट कर दिया. हाँ इमेज क्रिएटर बड़ी एग्जाम्पल्स हैं आजकल तो कभी जो इम्पॉसिबल हमें चीजें लगती थी. जी जी एग्जैक्टली अब री इन्फोर्समेंट लर्निंग ना जिस तरह मैंने कहा था कि एजेंट्स होते हैं बेशक वो आपके रोबोट्स हों या कोई भी सेल्फ ड्राइविंग कार हो वो एनवायरमेंट में किस तरह रिएक्ट करते हैं और किस तरह लर्न करते हैं उसमें चलते हुए तो वो आपकी री इन्फोर्स्ड लर्निंग है. ठीक है आप उसको बताते हो राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन तो जिस तरह आप गूगल मैप में भी आजकल देखते हैं कि यहाँ जाना है और यहाँ जाना है. हाँ नहीं नहीं देखे ना गूगल मैप्स पे आप जाए ना तो हमने वही बात है हम लोग देखते हैं तो उसने लर्न कर लिया हुआ है हम इस जगह पे इन्हीं इन्हीं रूट से जाते हैं और वो नेक्स्ट टाइम हमें उसी रूट से लेकर जाता है और उधर ही एग्जैक्ट लोकेशन पर उतार यहां पे हमें इनपुट नहीं दिया जब हम नया नया हमने उसको ज्वाइन किया था इट वाज कंफ्यूज्ड तो इस तरह चीज लर्न कर लिया उसको सेल्फ लर्निंग. जी सेल्फ लर्निंग ना रिवार्ड सिस्टम से कि हमने पहले एक रूट पे गए फिर हम वापस आए और फिर हमने वरना वही बात है कि मैप को कभी जो हमारी होती थी ना ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस फिजिकली वो नहीं पता थी इतनी लेकिन अब दे हैव लर्नड अब उसको पता है. हाँ जी 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 एक्सैक्ट ये है बेसिक आइडिया ऑफ रिवार्ड सिस्टम ना. तो इसी तरह ये चेस की एग्जांपल दी हुई है अल्फा गो कहते हैं चेस से कोई बेहतर गेम है तो उसमें भी हमारे कंप्यूटर ने ह्यूमन को हरा दिया. तो ये सेकेंड पार्ट है तो मेरे ख्याल से हमने हाँ बिल्कुल मैं अब ये अब आगे ये जो है ना ये थर्ड पार्ट में हमने देखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाकर क्या है यानी कि कौन से ऐसे बिग आइडियाज हैं जिनपे फ्यूचर के लिए फ्यूचर में AI इवॉल्व हो रहा है जिनको लेकर. तो हाँ इसमें और सब और ये उसके 5 stages हैं जिसपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है वो परसेप्शन है ह्यूमन माइंड का जिस तरह परसेप्शन होता है एक सिचुएशन को देख के. ठीक है उससे वो क्या चीज
देखता है उसको, वो रिप्रेजेंट उसके इमेज किस तरह बिल्ड करता है माइंड में, उसी तरह हमारा कंप्यूटर लर्न करता है विजुअल रिकॉग्निशन से या जिस तरह भी, और उसके ऊपर रीजनिंग बेस करता है। इंटेलिजेंस यही है ना कि आप रीजन कर सकें कि ये चीज सही है या चीज गलत है, डिफ्रेंशिएट कर सकें, कैटेगराइज कर सकें। और ये लर्निंग जो है हमारे, फिर वो कंप्यूटर हमारा लर्न करता है फ्रॉम द गिवन डेटा, राइट। और नेचुरल इंटरेक्शन, जिसमें आप अपने आप ह्यूमन आजकल कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन थी ना, लेकिन अब ह्यूमन जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। आप सोशल मीडिया पे आप देखें, आपको लगता है आप दूसरे बंदे के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे बंदे के साथ नहीं बात कर रहे, आप तो उसके एक आर्टिफिशियल पर्सोना के साथ बात कर रहे हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। तो सोसाइटल इम्पैक्ट भी इसका क्या है, इट इज आइदर इट इज पॉजिटिव और आइदर इट इज बैड, ठीक है। और उसको अगर किसी इम्पैक्ट को आपने हिंडर करना है तो वो भी आप देख सकते हैं, और किसी को पॉजिटिविटी की तरफ, या अगर आप चेंज, जिस हम सोसाइटल चेंज देख रहे हैं इसी आपका थीसिस किस में चीज, मेरा हेल्थ डायग्नोसिस जी। ये बड़ा इम्पैक्ट है नहीं, ये इसका। जनरल एक परफॉर्म है सबके लिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अच्छा, अब ट्राइल्स ऑफ एआई और मशीन लर्निंग, ठीक है। इसमें हमारे पास देखें, जिसमें मैंने बताया एंटरप्राइज लेवल पे इंटेलिजेंस में भी काम करती है ना मशीन लर्निंग, इसी तरह एंटरप्राइज फंक्शंस हैं उसमें, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, ई कॉमर्स बिजनेस, अगर आप आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कर दें, जिस तरह अमेजोन वगैरह या ये फेसबुक वगैरह है, बेशक इंस्टाग्राम वगैरह, ये सारा एआई को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और ऑटोनॉमस सिस्टम्स में कौन सा आ जाता है, ग्राउंड नेविगेशन, ठीक है, आपका ये ड्रोन जिस तरह सर ने बात की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है 4.0 ये ना कंपनी से जी जी ये नाम ऑटोनोमस ऑटोनोमस सिस्टम्स में जो जो काम कर रहे हैं वो, लाइक अमेजोन का लिखा हुआ है, वो पर्सनल जो एजेंट्स में काम हो रहा है ना, लाइक पर्सनल है जिसमें आप कोटाना के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या अमेजोन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं जी जी इसमें ये पब्लिक क्लाउड्स के लीडर्स है ना। और प्रोफेशनल में आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, जिसमें स्लैक है फॉर मीटिंग्स और एवरीथिंग, और जूम है, इसी तरह डिफरेंट और एप्लीकेशंस हैं, क्लैरा वगैरह जी बहुत जी और इसी तरह इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर, ठीक है। हमारा मैं मुझे बड़ी अच्छी लगता है जब हम मोटरवे पे जाते हैं, आजकल हरा भरा खेत नजर आ रहे होते हैं। एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, राइट, कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट इंटेलिजेंट उस पर भी यूज हो रही है, लीगल स्ट्रक्चर में भी यूज हो रही है, लॉजिस्टिक्स में भी यूज हो रही है, राइट। और इसी तरह कंटिन्यू कर रही है जी इंडस्ट्रीज आपकी, बल्कि हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है वो तो सारा यही पर है एआई आपका थीसिस, यही पर है जी सर। जी 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 बिग डेटा एनालिटिक्स में। तो इंडस्ट्रीज दूसरी हैं, रिटेल, फाइनेंस वगैरह में भी फिनटेक का नाम लें तो आप, मटेरियल्स वगैरह में भी, जिसमें मैंने बताया असेंबली लाइन वगैरह में आप जो हो रहा होता है। ये बिग आइडियाज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप भी देख लें, परसेप्शन है, सोसाइटल इम्पैक्ट कैसे होता है ये हमने देख लिया है, इसका इंटरेक्शन कैसे करनी है रोबोट्स वगैरह के साथ और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के साथ, ये चीजें, और लर्निंग कैसे हो रही है न्यूरल नेटवर्क्स में ना, तो ये सारी चीजें। क्या हाँ, क्विट इम्प्टर है एक फिनोमिना, लेट द बायर बी अवेयर, जिस तरह हमारे इस्लाम में भी है कि बायर को आप बताएं कि क्या चीज सही है और क्या चीज बुरी है, उसमें क्या खामियां हैं किसी चीज में भी ना, तो ये चीज वो है कि उसको भी अवेयर करता है कहीं कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, बात ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जी। और ये चीज है, जिस तरह ये फीडबैक सिस्टम्स भी आ जाते हैं ना, जिसमें कोई किसी ने कोई चीज यूज की तो वो सोशल मीडिया पे फौरन उसकी पॉजिटिव भी बताता है और नेगेटिव्स भी बताता है, तो ये चीजें हैं सारी, फीडबैक से आपको काफी फिर रिव्यूज से पता चल जाता है, तो ये चीज है। बायस, हाँ, ओपन ओपन क्वेश्चन की तरफ लास्ट सेक्शन पे आ गए हम, तो इसमें ML मॉडल में बायसेस को भी हमने ध्यान में रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल ML आपके जो एल्गोरिदम है वो आपको एक डिसीजन पे लेकर आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है, तो उसको रिवर्ट कैसे करना है और इस तरह की चीजें, या उसको काउंटर कैसे करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है अपनी रीजनिंग को, इंटरप्रिटेबिलिटी भी आपने उसमें देखनी है अपने AI सिस्टम में, ठीक है, कि वो अब ये थोड़ी सी जो हमने एग्जाम्पल की थी अपना इमेजेस वाली हैंड्स ऑन, उसमें उसने इंटरप्रेट किया होगा ना कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है 70%, आई एम श्योर कि ये चीज है,
वरना रॉन्ग भी हो सकती है ऑफ कोर्स अगर आप कहें तो. ये चीज प्राइवेसी, ठीक है, इज द एमएल मॉडल प्रोटेक्टिंग आवर प्राइवेसी, जिस तरह हेल्थ केयर डेटा में होता है, जब हम हेल्थ केयर सिस्टम्स बनाते हैं तो उसमें हमने ध्यान में रखना होता है कि इट इज अ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल दैट वी आर यूजिंग, और इसमें पेशेंट की आइडेंटिटी ना फोरफिट हो. ठीक है, फोर्ज हो. सिक्योरिटी, इज द एमएल मॉडल सिक्योर अगेंस्ट एडवर्सल, यानी कि आपने हेल्थ केयर एनालिटिक्स एक इतना इंपॉर्टेंट सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए आपने डायग्नोस्टिक्स बनाया है, और उस अगर आप उसको किसी क्लाउड पर रख दें उस फ्रेमवर्क को, ठीक है, और वो आपका क्या हो जाए ये हैक हो जाए तो उसमें मालवेयर आ जाए तो इट कैन बी ड्रास्टिक ना, बहुत बड़ा ड्रास्टिक. हाँ जी बिल्कुल जी जी हाँ जी 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 रिजल्ट कुछ ट्रस्टवर्थीनेस रिलायबिलिटी, और इसीलिए रिस्पॉन्सिबल एआई का आपने देखा होगा, मैंने जिक्र किया था कि हम जब भी कोई एआई सिस्टम्स बनाते हैं या एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाते हैं तो अब लेटेस्ट जो उस पर काम हो रहा है यही हो रहा है कि उसकी सिक्योरिटी का और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल रखें और एथिकल नॉर्म्स विद इन उसको फुलफिल करें ना एआई, आपका एआई सिस्टम्स. तो कैन आई ट्रस्ट द प्रिडिक्शन ऑफ एन एमएल मॉडल, इट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट. तो ये चीज है. क्लेवर हैंड्स, वही एग्जाम्पल है जिसमें हमने एक डोंकी को अपने करना था ट्रेन टू टेल वन और टू, तो इसको ये क्लेवर हैंड्स एग्जाम्पल ये है कि इस ये ट्रेनर था जिसने अपने हॉर्स को कहते हैं ट्रेन कर दिया टू डिफरेंट टू कैलकुलेट टू मेक कैलकुलेशंस, सिंपल कैलकुलेशंस, फॉर एग्जाम्पल 1+2 और 8+1, राइट. तो ये चीज ना तो लोगों ने वाह वाह करनी, इसने जारी बता अपना डिस्प्ले किया ना अपने हॉर्स को, तो वो भी कहते हैं वो इस तरह था कि जो हॉर्स है ना ही बिकेम दिस इंटेलिजेंट कम अज कम कि उसको पता चल जाता था अप्लॉजेस से कि कहाँ पे मैं सही हूँ और कहाँ पे मैं गलत हूँ ना, कि आइदर हाँ रिवॉर्ड फंक्शन. तो जब वही बात है कि जब वो ऑडियंस में होता था तो उसने कुछ सही इस तरह के आंसर्स किए, लेकिन जब उसको आइसोलेशन में वही चीज करने को कहा तो वो नहीं कर सका. तो ये चीज थी ओवरफिटिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ जनरलाइजेशन की, कि आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो हर हर एनवायरमेंट में चले ना, फिर उसी ओवरफिटिंग इसको कहते हैं लाइक फ्लेक्सिबल नहीं है ना, हाँ लाइक कुछ जनरलाइजेशन के लिए तो ये ठीक होगा ना हॉर्स का. और ये ओवरफिटिंग का ये चीज है, ये सेकंड अगर एग्जांपल देखें कि ये जो डॉग बनाया हुआ है ये सोफा पे है ना, तो आप इनपुट जो हमने डिटेक्ट क्या करना है मशीन ने आपकी डॉग को, लेकिन इनपुट क्या जा रही है सोफा प्लस डॉग, अब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये डॉग है सिर्फ या सोफे के बगैर डॉग है उसमें. तो ये चीज ओवरफिटिंग है कि आपने उसको टीच ऐसे ही कर दिया कि ये सोफा प्लस डॉग जो है ये डॉग है, ठीक है. और ये दूसरी जो एग्जांपल है फॉर एग्जांपल ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है, इस वो ये कह रहे थे ये बायसनेस की एग्जांपल है कि ब्लैक पीपल और वाइट पीपल का डाटा जो है उस तरह नहीं गिवन एआई सिस्टम्स को ट्रेन किया गया उस पर. तो ये जो पिक्चर जब गई ना तो इस लड़की को उसने गोरिल्ला कंसिडर कर लिया उसमें लिखा गोरिल्ला बता दिया ना जिसमें, हाँ अगर किसी इंसान ने करे तो वो तो पीछे पड़ जाए आपके, ठीक है. तो ये चीज है यहाँ पे फेल हो जाता है. कॉमन है, इसकी पिक्चर नहीं थी ब्लैक पर्सन की किसी की. और ये सिग्नल्स और नॉइस को निकाल के ना जिस ये पिक्चर में भी डॉग वाली, तो फिर आपने एआई को कैसे बेहतर से बेहतर बनाना है, ये है जी जी बिल्कुल नॉइज है. और ओवरफिटिंग बस वही है कि आपका कंक्लूडिंग डिसीजन जो बन जाता ना, और वो बताया आपको सिस्टम के 100% एक्यूरेसी है और वो 100% हो भी ना तो वो ओवरफिटेड डाटा होता है. लाइक यानी कि ओवरफिटेड डाटा फिर इस तरह बायस हो जाता है ना कि जिस तरह वाइट और ब्लैक में एग्जाम्पल है कि मशीन के पास है ही एग्जाम्पल सारी वाइट मेल्स की या वाइट फीमेल्स की, उसके पास ब्लैक पर्सन है ही नहीं, तो वो फिर ओवरफिटेड डिसीजन है सिस्टम है हम ग्राफ्स को जब फिट करते तो वो पहचान ही नहीं सका कि ब्लैक भी कोई चीज होती है. नहीं हम ग्राफ होता है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स, हां उसको हम एक लाइन लगाते हैं ना वो फिट करते हैं जी एप्रोक्सीमेशन करते जी 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 उसको हम कहते हैं हम फिटिंग द ग्राफ. बिल्कुल हां हां जी हां जी एप्रोक्सीमेशन हां जी 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 ऐसे. अब ये देखें ना ये ब्लैक लड़की है एक और इसने इसका इस तरह फेशियल रिकॉग्निशन किया उसने पहचाना नहीं कि बंदा या कोई पता नहीं कौन है, ठीक है. जब उसने व्हाइट मास्क पहन लिया ना तो उसको उसने एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज कर सिस्टम ने.
ये बायस बस। हाँ वाकई उस उन्होंने नहीं, ये असल में रिसर्चर्स ने तो न्यूट्रल रहकर ही अपना बताना है ना, फीड इन करना है। चले नहीं, हम तो एक जनरल सिस्टम ले रहे हैं कि ये हो सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह एक ये अभी ये हार्वर्ड प्रोफेसर हैं कहते हैं मैडम, ठीक है, एक तो इसमें एक ये भी वायरस आ सकता है कि मेल को कर ले, वरना इसको वही बात है कि थोड़ा सा कुछ ये भी होता है कि हाँ आजकल जिस तरह नेगेटिविटी होती है ना ब्लैक्स और मुस्लिम्स में, तो इसको एज जब उसने सर्च किया इसी औरत ने अपने आप को कोई गूगल में, तो इसने देखा कि ज्यादातर ना उस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं नेगेटिविटी एनफोर्स्ड, तो हालांकि प्रोफेसर थी, तो इस तरह मशीन बायस है जिस तरह वाइट पीपल और ब्लैक में, और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इसमें, कुछ बुक्स भी इसमें लिखी हुई है ना उसमें ये चीजें देखें, उसने कैथी और नील ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, मे बी शी इज अ ब्लैक वुमन मे बी राइट। हाँ जी जी एग्जैक्टली तो इसी तरह इस्लामोफोबिक मॉडल्स भी हैं हमें दिखते हैं कुछ, कि लाइक मुस्लिम्स का नाम कहीं सर्च करो तो, और ये भी डिपेंड करता है आप किस जियोग्राफिकल लोकेशन में बैठ के सर्च कर रहे हैं ना, ये भी चीज आती है, तो आपको बायस बायस रिजल्ट्स आ सकते हैं, वायलेंस और बीइंग किल्ड। हाँ जी हाँ जी बायस, गोरों ने एंटर किया ना ज्यादा डेटा। एआई एंड लीडरशिप, तो ये फंडामेंटल्स ऑफ एआई में यही चीज थी कि हम जिनको एआई में इंटरेस्ट है और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस तरह रिसर्चर्स हैं या एकेडमिशियंस हैं या जो भी कम्युनिटी सॉल्वर्स हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स, उनको हम इस तरफ लेकर आए कि इसमें लीडरशिप में आपने क्या करना है और कहाँ पे इनोवेशन हो रही है एआई के अंदर, तो दिस इज अ थिंग। और टेक्नोलॉजी को क्रिटिकली भी देखना सीखना है हमने, ठीक है, न्यूट्रल रहते हुए देखना है और किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं उसको। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर रिसर्चिंग इन अ डोमेन, तो हाँ तो रिवार्ड फंक्शन, हाँ जी बस गेमिंग भी देखी है, सोशल डायनामा, मुझे फील होता है कभी कभी हम कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें देखते हैं और उसको इतनी पॉजिटिविटी के साथ बयान किया जाता है कि हमें तो छोटा ही फील होता है कि हमारे तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे थे। जी जी हाँ जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसको मुझे नहीं इतना आइडिया, बस एक एग्जांपल देखी है मैंने। हाँ जी गेमिंग, हाँ रिवार्ड फंक्शन गेमिंग का बताया ना, सोशल डायनामा में आपने नहीं देखा कोई कुछ ऐसी ऐसी गेम्स आ गई थी कि एडिक्शन ने लोगों को, वो सुना था ना हमने, उन्होंने सुसाइड्स कर लिए उसके पीछे, ये चीज वो बता रही है जी एग्जैक्टली। और ये कुछ वीडियो में कुछ देख रहा है लाइक उस तरह, तो डेवलपिंग सेफ एंड ट्रस्टवर्दी एआई सिस्टम्स इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द माइंड्स ऑफ रिसर्चर्स, देयर आर एथिकल चॉइसेस इन एवरी सिंगल एल्गोरिथम वी बिल्ड, ठीक है, तो आपने एथिक्स को नॉर्म बनाना है बेशक यू आर मुस्लिम और एनीवन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आजकल हाई, हाँ जी हाई एंड जी जी ability to act ethically and with wisdom. आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि AI is built on data, उस पर इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ठीक है, उसमें से भी आपने इंफॉर्मेशन, पहले मैंने बताया ना डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा रैंगलिंग की टेक्निक अप्लाई करें, उसको डेटा को प्योरीफाई करें और उसमें से जो बेस्ट इंफॉर्मेशन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है पहले तो वो फीड इन करनी है ना आपने, और फिर उस पर नॉलेज बिल्ड करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, इंटरप्रेट करना है और विजडम की तरफ लेकर चलना है आपने एआई सिस्टम। हाँ जी तो ये चीज है, दीज आर सम रिसोर्सेस आप चेक कर सकते हैं, एज्योर मशीन लर्निंग के काफी फ्री उसके हैं, उसके भी आप अगर उसको करो ना आजकल ये जो है ना एज्योर और अमेज़न वगैरह भी यू कैन लर्न फ्रॉम दैट एज वेल, उनकी काफी फ्री ट्रेनिंग्स भी होती हैं लेक्चर्स और इंस्ट्रक्शंस। Fast.ai is a very good platform right now for AI, advanced deep learning AI. और इसी तरह Google Cloud, Azure और Amazon are leading cloud platforms for AI. PyTorch is a framework as well. और इसी तरह सारे ना
अमेजोन मशीन लर्निंग, टेंसर फ्लो इज अ वेरी गुड थिंग, और ये तो बाकी यूडेसिटी कोर्सेरा और डेक्स का सबको पता है। तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो सिस्टम है वो कहे कि मेरे पास इस चीज का आंसर ही नहीं है, इंस्टेड ऑफ कि वो गलत आंसर दे, इतना गलत दे रहा हूं। मेरे ख्याल से वही बात है कि अब ये सारी पता है, ये तो बायसनेस रिकॉग्नाइज हो गई ना, पहले पहले सिस्टम ने इन चीजों को पकड़ रहा था, तो अब अगर वही बात है रिसर्चर्स इन चीजों को भी टेक केयर कर रहे हैं इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल जारी बताइए, लिमिटेशन तो होंगी होंगी ना, जिस तरह आप हम भी अपने एंड पे, मुझे पता है ना, मैं अगर किसी अब जिस तरह किसी अपने सिस्टम को ट्रेन किया मैंने, तो उस पर काफी चीजें होती है, डाटा डिपेंडेंट है ना कि ये डाटा है ये डाटा नहीं है, जिस लिहाज से मैंने उसको ट्रेन किया वो वही मुझे डायग्नोस्टिक्स देगा फॉर पर्टिकुलर फील्ड। एक उसके एल्गोरिथम की क्वालिटी हो सकती है, दूसरा डेटा की क्वालिटी हो सकती है, और किस चीज की बेसिस हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ये सिस्टम अच्छा है। वो तो उसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है, रिजल्ट्स तो रिजल्ट्स को एक्चुअल वही बात है, जिस तरह प्रिडिक्शन और एक्चुअल रिजल्ट्स में आप उसको इसका इस तरह उसको डिफरेंशिएट करें। दो चीजों के बेसिस पे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। बिल्कुल एल्गोरिदम्स भी जब डिपेंड करते हैं, वही बात करते हैं, परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती है, फॉर एग्जांपल हाई द डाटा कहते हैं, उसी तरह परफॉर्मेंस के लिए भी आपको हाई टेक सिस्टम्स दरकार हैं, उसमें फिर क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ अब लोग जा रहे हैं उसी के विद विद बिग डाटा, अगर आपने उसको एनालाइज करना था। और बेस्ट सिस्टम वही होता है जो आपके ज्यादा डाटा को बेस्ट मिनिमाइज रिसोर्सेज में एनालाइज कर लें, प्रोसेस कर लें। ये तो वो उन पे डिपेंड करता है ना जो इन एआई सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं फॉर प्रिडिक्शन। अब जिस ना फॉर एग्जांपल कोई भी सोशल आपका प्लेटफॉर्म है, या जिस मैंने आपको बताया कुछ सिस्टम्स थे जिनको ट्रंप ने हायर किया टू एनालाइज और या फिर ब्रेन वॉश द ऑडियंस कि वो उसको वोट करें, कि तो वो डिपेंड करता है कि कौन इज द हु इज द सुप्रीम पावर टू एनालाइज दिस थिंग्स टू प्रिडिक्ट फॉर प्रिडिक्शन। कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी है यार जिसमें वो ये कहती है कि जो स्टेट होती है वो होती है जो उसकी लोग होते हैं। जी जी जी। और क्योंकि लोगों में से लीडर आता है और लीडर जब आता है तो लीडर कोई डिसीजन करता है कि कोई ऐसे आता है। हां जी। तो हम कैसे लोगों को कंट्रोल करें ताकि हम स्टेट को कंट्रोल करें। जी तो लोग happening everywhere. इस AI के अगर perspective में देखें, तो AI हमारे social media के थ्रू exactly जानती है कि सब लोग क्या सोच रहे हैं। मतलब अगर example आप कहें कि हम पाकिस्तान के Facebook और WhatsApp के जो यूजर्स हैं उनको देख लें कि उनका क्या प्रोफाइल्स हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, वो किस तरह के सर्चेस करते हैं, इस्लामिक है नॉन इस्लामिक है, पैलेस्टाइन के उनका ये स्टांस है। हमें एक बड़ी पिक्चर स्टेट लेवल आ चाहिए कि इस वक्त ये मुल्क जो है ना ये इसका ट्रेंड ये, उसके हिसाब से फिर वो लोग अपनी सोशल इंजीनियरिंग करके उसको फिर टेलर कर सकते जी, हैं जी, तो हाँ जी भी AI का भी। वही बात है, हम लोग जिस टाइम कंफ्यूज, मैं बता रही हूँ हम कंफ्यूज होते हैं सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह देख के, आर वी राइट और आर दिस इमेजेस राइट हैं, तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना हमें, और जो लोग अनअवेयर हैं इन चीजों के बारे में तो उनको अवेयरनेस तो होनी चाहिए। एनालिटिकल सिस्टम्स आपका ब्रेन को इंटेलिजेंट इनफ अब बहुत जरूरी है, अब वो इग्नोरेंस वाला जमाना और सिस्टम रहा नहीं है कि जो छोटा बच्चा है बिल्कुल वो जिस तरह की उसको वीडियो आ रही है और फिर AI उसको बार बार एक्सप्लोरर तो हैं बच्चे तो एक्सप्लोरर हैं जी, दिस इज अ डिजास्टर कमिंग जिहाद की वीडियोस आती रहती हैं। और जिस तरह की आजकल वो वैसी सिचुएशन हमारी बहुत वो है टाइट, उसको हमारे एज अ कंट्री लेवल या तो वो भी काफी प्रोपगेट कर रहे हैं ना। हाँ जी, 3 साल पहले पॉलिटिकली भी लोगों को काफी वो कर रहा है, इंडल्ज कर रहा है और उसमें। हाँ जी,
डिफरेंट स्टोरीज हैं कि कैसे मैं अमीर हो गया। हाँ जी बिल्कुल, ये जनरेटिव जनरेटिव सब चीजें हैं। अब उस बच्चा जो देख रहा था ब्लोरे हो गया, हाँ उसी तरह उसको वीडियो आ जाए, हाँ जी उसको क्या होगा कि मैं जल्दी अमीर हो जाऊँ। जी जी अमीर होने में फिर वो कहीं पे भी जा सकता है, क्राइम में भी जा सकता है, थेफ्ट में जा सकता है। तो ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट तो बहुत है, पॉजिटिव भी बहुत।